बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूँ उमर सलान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और इस खुशगवार सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत, खुशगवार और मज़ेदार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं। हमेशा की तरह कुछ डिफरेंट से टॉपिक्स लेकर आए हैं जिनकी अहमियत को उजागर करना, जिनके हवाले से बात करना और जिनसे कुछ सीखना और समझना हम सब के लिए ज़रूरी हो। आज भी हम जो है वो कुछ ऐसे टॉपिक्स लेकर आए हैं कि जिन पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। सबसे पहले आज का जो पहला टॉपिक है उसके हवाले से अगर आपको बताएं तो हम करियर काउंसलिंग के हवाले से बात करेंगे। करियर काउंसलिंग क्या है, इसकी कितनी ज़रूरत है कि इसके हवाले से अवेयरनेस क्रिएट की जा सके। आज का नौजवान, जब हम आज के नौजवान को देखते हैं तो अनफॉर्चुनेटली बड़ा दुख होता है ये देखते हुए कि हम जब उनसे पूछते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं, कौन सा प्रोफेशन ऑप्ट करना चाहते हैं, क्या है उनका फ्यूचर, तो कहीं ना कहीं वो कन्फ्यूजन में मुब्तला होते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि कौन सा करियर उनके लिए बेहतरीन है, किस प्रोफेशन का इंतखाब उन्हें करना है और कौन सी फील्ड में वो एक्सेल कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उनके करियर से जो है मुंसलिक हैं। इसकी काउंसलिंग होना क्यों ज़रूरी है, इसके हवाले से अपने नौजवानों को ट्रेन करना कितना ज़रूरी है और ये शऊर और आगाही किस तरह से डेवलप की जा सकती है कि उनके लिए कौन सा पेशा, कौन सा प्रोफेशन जो है वो बेहतरीन साबित हो सकता है, जिसके अंदर उनके लिए स्कोप है, उनके रिसोर्सेज, उनकी एजुकेशन, उनकी कैपेसिटी किसके साथ मैच कर रही है, इसके बढ़कर उनका एप्टीट्यूड किस तरफ जा रहा है, उनका इंटरेस्ट लेवल क्या है, वो किस जो है वो फील्ड के हवाले से महारत हासिल करना चाहते हैं, कितना स्किल्ड है आज का नौजवान। बहुत सारे सवालात का जवाब लेंगे जब हम बात करते हैं करियर काउंसलिंग के हवाले से। इसके लिए आगाही कौन डेवलप करेगा, और यूनिवर्सिटी लेवल की बात की जाए, कॉलेज लेवल की बात की जाए या फिर हमारे इनिशियल स्टेज स्कूल लेवल की बात की जाए, वहीं से अगर हम बच्चों को शऊर और आगाही देना चाहें, उनका एप्टीट्यूड जज कर पाएँ कि किस तरह से हम अपने बच्चे को देख सकते हैं, उसका रुझान क्या है, वो किस तरफ जाना चाहता है, उसका स्किल सेट क्या है, और इसके साथ साथ उसका जब एप्टीट्यूड जज करना है तो फिर उसके इंटरेस्ट लेवल्स क्या हैं, उनको किस तरह से हम इन्हांस कर सकते हैं, इनक्रेज कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं अपने बच्चे की सोच को और उसके एप्टीट्यूड को। इसके साथ साथ जी बेहतरीन तालीमी निज़ाम के लिए असातिज़ा की ट्रेनिंग कितनी ज़रूरी है, इस पर भी हम बात करेंगे। टीचर्स ट्रेनिंग का एक जो वास्ट कॉन्सेप्ट हमें नज़र आता है, जिसके हवाले से हम ये देख रहे हैं कि कुछ वक्त पहले तो कभी बात नहीं होती थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता इसके हवाले से भी शऊर डेवलप होता चला जा रहा है कि जहाँ हम पेरेंट्स की काउंसलिंग की बात करते हैं, जहाँ बच्चों को ट्रेन करने की बात करते हैं, बच्चों को गाइडलाइन प्रोवाइड करने की बात करते हैं या उनकी काउंसलिंग की बात करते हैं, वहीं टीचर्स ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी है। टीचर्स के लिए एक ऐसी मेथोडोलॉजी को लेकर आना जो कि वक्त हाज़िर की रिक्वायरमेंट्स हैं, वक्त हाज़िर के तकाज़ों को पूरा करने के लिए ज़रूरी हो, उन पर भी क्यों बात करेंगे, इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा तालीमी निज़ाम बेहतरीन हो जाए, इसमें जितनी भी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है उसमें हम एफ़र्ट के ज़रिए इम्प्रूवमेंट ला सकें। तरजीहात का तायुन करना और माहिरीन की राय का एहतराम करना क्यों ज़रूरी है, ये भी हमारा आज का टॉपिक है जिसके ऊपर हम जो है वो ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। क्योंकि जब हम तरजीहात का तायुन करते हैं, अपनी प्रायोरिटीज सेट करते हैं, तो डेफ़िनेटली हमें फ़ैसला साजी की जो एक कुव्वत और एक सलाहियत है उसको मोटिवेट करने में, उसको इन्हांस करने में, उसको ग्रूम करने में, उसको डेवलप करने में मदद फराहम होती है। इसके ऊपर भी हम इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ जी तालीमी इदारों में तालीम के साथ साथ प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी ज़रूरी है। जब स्किल्ड बेस्ड नॉलेज की बात होती है कि हमने अपने बच्चों को स्किल्ड बनाना है, उनके अंदर कोई एक ऐसी महारत डेवलप करनी है, कोई ऐसा हुनर डेवलप करना है कि जो उनके आने वाले वक्त में जब वो इस माशरे की बागडोर संभालें, जब वो इस माशरे में एक फाल किरदार के तौर पर ज़िंदगी गुजारें, वहाँ उनके काम आए वो हुनर। हुनरमंद बनाना, प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स देना कितना ज़रूरी है। इसमें जहाँ हम स्टूडेंट्स की बात करेंगे वहीं टीचर्स ट्रेनिंग के हवाले से भी बात होगी, वहीं बच्चों के अंदर शऊर डेवलप करने के हवाले से जब बात करेंगे तो फैसला साजी की जो एक सलाहियत है ये किस तरह से हम अपने बच्चों के अंदर डेवलप कर सकते हैं, किस तरह से वो क्वालिटीज़ इनकलकेट कर सकते हैं कि जो आने वाले वक्त में उनके लिए काम आएँ और उनके लिए कारामद साबित हो। इसी के साथ साथ आगाज़ में हम गुफ्तगू करेंगे करियर काउंसलिंग के हवाले से, ये क्या है, इसकी वक्त हाजिर में क्यों ज़रूरत महसूस हो रही है और कौन गाइडलाइन प्रोवाइड करेगा, कौन काउंसलिंग करेगा। इसके लिए जो हम बात करते हैं कि हमारे वालिदैन क्या किरदार अदा कर सकते हैं, इसमें हमारे टीचर्स का क्या रोल है, ओवरऑल सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में जब हम देखते हैं तो कितना ज़रूरी है कि इस सोसाइटी में, इस माशरे में रहने वाले तमाम अफराद, चाहे वो किसी भी पेशे से मुंसलिक है, किसी भी प्रोफेशन से उनका ताल्लुक है, वो किस तरह से गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकते हैं करियर काउंसलिंग के हवाले से एक स्टूडेंट को, एक बच्चे को, एक नौजवान को, इस पर भी इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ स्टूडेंट्स में मौजूद हैं, जल्दी से उनका तारुफ करते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनकी नज़र में करियर काउंसलिंग की इंपॉर्टेंस क्या है और कितना अहम है ये टॉपिक कि इस पर डिस्कशन की जाए, इस पर तवज्जो दी जाए। सबसे पहले
हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल राफी अथर साहब, माहिर तालीम भी हैं, समाजी कारकुन भी है। वेलकम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया राफी साहब आपकी तशरीफ आवरी का। आज की दूसरी मेहमान का तारुफ कराते हैं, जो एजुकेशनिस्ट हैं शगुफ्ता नाज हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं शगुफ्ता, खैरियत से हैं? शगुफ्ता के साथ आज के जो तीसरे मेहमान हैं मोटिवेशनल स्पीकर हैं अब्दुल अजीज साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। आपका भी बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे राफी साहब, आपसे क्या कहना चाहेंगे, करियर काउंसलिंग क्या है आपकी नज़र में? देखें, बीइंग ह्यूमन इंसान इस दुनिया में जब आता है तो उसकी जिम्मेदारियां हैं कुछ, तो इसमें मादी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए दुनिया में आगे सरवाइव करने के लिए उसको रोज़गार की ज़रूरत होती है। तो रोज़गार हासिल करने के लिए, दुनिया में ज़िंदा रहने के लिए, अपने मसाइल को पूरा करने के लिए उसको कोई ना कोई पेशा या कोई कोई चूज़ करना होता है। अब बच्चा पैदा होते ही तो पेशा चूज़ नहीं कर सकता बच्चा। मैं समझता हूँ कि माँ की गोद के बाद पेरेंट्स के बाद, मतलब वालदैन की तरफ आ जाता है, फैमिली में आ जाता है, फिर टीचर्स की तरफ चला जाता है। सही। तो एक सर्टेन एज तक बच्चे की, जिस तरह आपने बात की, बच्चे के रुझानात को, उसके शौक को, उसके एप्टीट्यूड को और उसकी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करना होता है। वहाँ से आपको ना कुछ इंडिकेटर्स मिल रहे होते हैं, जिस तरह आप कहते हैं यार ये साइकिल में या पुर्जो में घुसा ये इंजीनियर बनेगा, इस तरह के जुमले घर में सुनने को मिलते हैं। इनफैक्ट वो उसके ना रुझान को शो कर रहा होता है। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि उनके कैरियर को चूज़ करने के लिए, उसके लिए अगर उसी स्टेज पर उनकी क्लास टीचर्स, पेरेंट्स, और मैं प्रिफर करूँगा कॉलेज स्कूल्स के अंदर, ख़ासतौर पर ये जो नर्सरी है इसमें साइकोलॉजिस्ट टाइप के प्रोफेशनल्स होने चाहिए। वो टीचर कम, साइकोलॉजिस्ट उनको पढ़ाना नहीं है, बच्चों के एप्टीट्यूड को देखना है, मुख्तलिफ टेस्ट है उसके ज़रिए उसको आइडेंटिफाई करें कि ये जो बच्चा है ये 1, 2, 3, 4 एरियाज में अपेरेंटली लग रहा है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी जज करना है कि इस बच्चे की पर्सनैलिटी ट्रेड्स किसके लिए अप्रोप्रिएट है, प्रोफेशन में जाके जो है एक्सेल कर सकता है। शगुफ्ता साहब बड़ी खूबसूरत जो है वो बात कही है अब्दुल राफी साहब ने, आप इसमें क्या ऐड करना चाहेंगी, करियर काउंसलिंग के हवाले से कितना ज़रूरी है कि हम बात भी करें और कहीं ना कहीं इसको अपने स्कूल लेवल से स्टार्ट भी करें? जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच फॉर सत्सवेरा टीम। करियर काउंसलिंग इस बेसिकली प्रोफेशनल इंटरवेंशन होता है कि आप स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए जो है वो आप एक स्ट्रेटजी जो है वो इन करते हैं और बच्चों को जो है वो गाइड करते हैं कि जी आपका आपकी क्वालिफिकेशन जो बेसिकली करियर लर जो सॉरी जो आपका करियर आपका जो काउंसलिंग करने वाला होता है, काउंसलर जो होता है वो आपको बेसिकली ये देता है कि जी आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, और फिर आप उसको प्रिवेल करके आप उसको गाइड करते हैं। करियर काउंसलिंग जो है वो दूसरा उसका काम ये होता है कि वो लेबर मार्केट के साथ उसका लिंक होता है और वो लेबर मार्केट के एक्सपीरियंसिस को उस स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता है। लाइक हमारे कॉलेज में भी बहुत सारी दफ़ा कई टीमें आई हैं जो करियर काउंसलिंग के हवाले से उन्होंने वहाँ पर स्टूडेंट्स को जो है वो गाइड किया है, लेकिन वो उस तरह नहीं होता। वो लगता है जैसे कि एक करियर काउंसलिंग बेसिकली 1-to-1 भी होती है और ग्रुप के साथ भी आप कर सकते हैं। जब आप ग्रुप के साथ करते हैं तो आपकी स्ट्रेटजी डिफरेंट होनी चाहिए। उसमें ये होता है कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो आपको अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे होते, आप कहना क्या चाह रहे हैं। आप अगर 1-to-1 करें या एक स्पेसिफिक ग्रुप को टारगेट करके फिर आप उसके साथ काउंसलिंग करें, बैठकर उसे बताएं कि जी आप जो है वो इस तरह से ये सब सब्जेक्ट है, ये क्वालिफिकेशन है, ये आप चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा चैनल है यूट्यूब के ऊपर, मैं उसमें नॉलेज वर्सेस नॉलेज के ऊपर मैं लेक्चर देती हूँ। उसमें मैंने CSS के हवाले से, एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है हमारे पाकिस्तान के अंदर कंडक्ट होता है, उसमें भी बच्चों को पता नहीं होता, यानी इस लेवल तक पहुँच के भी बच्चों को पता नहीं होता कि हमें सब्जेक्ट कैसे ऑप्ट करने हैं, कौन से सब्जेक्ट लेने हैं जिसमें हमें मैक्सिमम मार्क्स गेन होंगे और हम उसकी मार्क्स की बुनियाद पर हम जो है वो आगे ग्रुप एलोकेशन जो है वो अपनी सिक्योर कर सकेंगे। तो उसके ऊपर मैंने बात की हुई है। तो जब इस लेवल तक पहुँच के भी आपको करियर काउंसलिंग के हवाले से और आपको सब्जेक्ट चूज़ करने के हवाले से आपको प्रॉब्लम है तो फिर आप नीचे बहुत ही प्रॉब्लम है ना। जैसे सर ने कहा कि ऐसा ही होता है कि जी आपको गाइडलाइन बिल्कुल नहीं मिल रही होती ना, टीचर्स की तरफ से होता है, टीचर से स्टूडेंट्स पूछते हैं कि जी हम मैडम ADP पढ़ रहे हैं, इसका क्या स्कोप है? बहुत सारी मैडम्स कहते हैं हमें तो खुद नहीं पता। मतलब ये आंसर टीचर का नहीं होना चाहिए, टीचर को ये कहना चाहिए कि जी आप पॉलिटिकल साइंस में ADP कर रहे हैं, यू विल बी
इन यू विल बी इन द प्रोफेशन ऑफ लॉयर के लिए जा सकते हैं, सिविल जज के लिए जा सकते हैं, सीएसएस के लिए जा सकते हैं, मीडिया को ज्वाइन कर सकते हैं, आप किसी भी जो है वो पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आप सर्विस दे सकते हैं। तो आप अपने सब्जेक्ट के ऊपर जब टीचर को कमांड होगा देन ही और शी विल बी इन अ पोजिशन टू गाइड और फॉर करियर काउंसलिंग। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है कि इसके हवाले से अवेयरनेस क्रिएट की जा सके और आगाही डेवलप करना हम सबकी जिम्मेदारी है, चाहे हम वालिदैन हैं, चाहे हम असातिज़ा किराम हैं या फिर हम इस सोसाइटी का हिस्सा हैं। अब्दुल अजीज साहब, आप क्या ऐड करना चाहेंगे इस गुफ्तगू में, करियर काउंसलिंग क्यों ज़रूरी है हम सब के लिए? देखिए, ये हर इंसान को अल्लाह ने मुख्तलिफ सलाहियतें दी होती हैं, बुनियादी सलाहियत तो सब में होती हैं लेकिन बाज़ सलाहियतें कुछ लोगों में अल्लाह ने मखसूस तौर पर रखी होती हैं, और उनको जान लेना, पहचान लेना, ये एक यही कार्य और उसके मुताबिक अपनी स्ट्रेटेजी बनाने का नाम जो है कैरियर काउंसलिंग है या कैरियर मैपिंग है। सही। तो उसमें उसको जानने का कि जो टूल्स हैं उसमें सबसे पहली तो ये है कि एक बच्चे के अंदर डिमांड क्या है, तलब क्या है, या एक फ़र्द के अंदर वो कौन सी चीज़ें हैं जो उसका अपना एक ऐसा रुझान जिसमें वो दिन को भी वो देखता है, ख्वाब देखता है, रात को भी ख्वाब देखता है, जिस चीज़ के उसको ख्वाब आते हैं, जो करना चाह रहा होता है, डिज़ायर्स जिसको आप बोलते हैं, वो जिसमें जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, अगर उसका पेशा जिसमें वो काम करना चाह रहा है, जिसके में वो अर्निंग करना चाह रहा है, जिसमें वो वर्किंग करना चाह रहा है, अगर वही वो इख्तियार कर लेगा तो फिर उसका एडवांटेज उसको ये होगा कि वो 12-14 घंटे भी काम करेगा, उसकी कोई थकावट नहीं होगी, कोई फटीक नहीं होगी। लेकिन अगर वो फर्द का रुझान कुछ और है, कर वो कुछ और रहा है, तो फिर वो उसको घर से निकलते हुए जो सी है ना बड़ी थकावट सी महसूस होगी। तो इसलिए ये रुझान देखना, इसके लिए एक फ़र्द को खूब अच्छे तरीके से अपना एनालिसिस खुद करना है। एक तो फ़र्द खुद है कि उसने अपना एनालिसिस करना है कि उसका रुझान क्या है, वो क्या कर सकता है, उसमें कौन सी अल्लाह ने सलाहियत दी है, ये अपने आप को सेल्फ अवेयरनेस बेसिक चीज़ है। सही। और फिर यह है कि टीचर्स हैं उसके उसकी मदद कर सकते हैं, वालदैन उसकी मदद कर सकती हैं, हाँ उनका जो है उनको टाइम देना, उसको जानना, ये असल में है कि आप अपने बच्चे को कितना की अहमियत देते हैं टीचर्स या वालदैन, तो उस बच्चे को गाइडलाइन किया गाइड दी जा सकती है, करना उसने खुद ही है ज़िंदगी में। बिल्कुल ऐसे, ये करना तो उसने खुद है, लेकिन जहाँ गाइडलाइन प्रोवाइड करने की बात आ रही है, वहीं एक सवाल जो हम सबके जहनों में आता है कि किस एज ग्रुप में हम बच्चे को जो है वो एप्टीट्यूड उसका जज कर सकते हैं, उसके इंटरेस्ट लेवल देख सकते हैं कि इसको हमने किस तरफ लेकर जाना है, इसकी रहनुमाई क्या होगी और इसकी अल्टीमेट प्रोफेशन या इसकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए? हाँ जी, ये सबसे पहले तो वालदैन ही है या वालदा होती है कि उसी के उसने एनालिसिस करना था कि बच्चे का तभी रुझान है किस तरफ, थोड़ा सा तो उसी वो जो लैंग्वेज जान रहा है, वो पहचान रहा है, वो जिसको आजकल एनएलपी की है, देखिए एक बच्चा जो है ना कुछ बच्चा चीज़ें देखकर उसकी तरफ उसका रुझान होता है, वो ज़्यादा सीख रहा होता है, बाज़ सुन कर कर रहे होते हैं, बाज़ फिज़िकली जो सी है ना वो कर रहे होते हैं या टच होने से चीज़ों को देख रहे होते हैं, तो ये बच्चे का रुझान है, ये वो जो रुझान है अगर वालदैन उसको अच्छे तरीके से फॉलो कर लें तो उसी लैंग्वेज में उससे बात करें तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख जाता है। बिल्कुल, उसको अच्छा ये कैरियर, जहाँ तक कैरियर की बात है, कैरियर बच्चे के उमूमन जो से जब हम मैट्रिक की कर लेते हैं तो उसके बाद हम उससे पहले उसके बाद हमने प्लानिंग करनी होती है ख़ास तौर पर, ये एक सबसे वो इससे पहले भी की जाती है उमूमन, तो 8वीं 7वीं 8वीं क्लास के बाद एक बच्चे को का रुझान देख लिया जाए तो उसके बाद उसको दे दिया जाए, लेकिन मैट्रिक या हो या जो भी हमारे यहाँ स्कूलिंग सिस्टम है उनके बाद आपके पास एक टाइम होता है, गैप होता है, उसमें बच्चे के लिए ख़ास तौर पर ना तवज्जो देने की ज़रूरत होती है। सही। तो इसमें भी हमने एक छोटा सा हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसने काम किया है। जी वो ज़रूर आपसे हम जानेंगे कि इसके क्या जो है वो ऑब्जेक्टिव्स हैं और किस तरह से इससे गाइडलाइन प्रोवाइड की जा सकती है। एक ब्रेक के जाने में हमें बढ़ना, ब्रेक से वापस आते हैं, अजीज साहब से गुफ्तगू करते हैं।
वेलकम बैक जी, एक मरतबा फिर से सत सवेरा में आपको कहेंगे खुश आमदीद। इंटरेस्टिंग गुफ्तगू का सिलसिला जारी, और हमने कहा था कि जब हम ब्रेक से वापस आएंगे अब्दुल अजीज़ साहब से गुफ्तगू करेंगे किसी किताब के हवाले से, वो हमें गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहे थे कि किस तरह से हम जो है वो बच्चों के करियर काउंसलिंग में हेल्प आउट कर सकते हैं। हाँ, उसमें यह है कि बहुत सारी फील्ड्स होती हैं, अमूमन बच्चों के पास एक्वायर्ड नॉलेज उस वक्त कम होता है, तो कोई उसको जो भी अपनी तरफ लगाता है उसकी तरफ लग जाने का इम्कान होता है, और ये भी बड़ी उसके लिए बाद में तकलीफ़ का बायस बन सकती है बात, क्योंकि किसी ने कहा कि आपके ख़ानदान में डॉक्टर्स बहुत हैं या हमारे ख़ानदान में ये काम हो रहा है, तो बच्चे का अगर रुझान उस तरफ तबीयत ना हो लेकिन वो माइल उस तरफ हो जाए तो भी खराबी का बायस बनता है। इसलिए बच्चे को ब्रॉड चीज़ें बताई जाएं कि ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके बाद आप गौर से अपना एनालिसिस करो। तो इसके हवाले से हमने मुख्तलिफ जो शोबाहाए ज़िंदगी हैं उसके हवाले से बेसिक्स उसकी बयान की हैं, उसको अगर इन चीज़ों से बच्चा खुद गो थ्रू हो जाएगा तो उससे ये होगा कि बच्चा अपनी सलाहियतों को भी जान लेगा और अपने रुझान को भी जान लेगा, तो इससे उम्मीद है कि काफ़ी बेहतरी आ जाती है। यकीनन अब्दुल रफी साहब, जैसे कि अभी अब्दुल अजीज़ साहब कह रहे थे कि वालदैन ने ही बच्चों का पैशन आइडेंटिफाई करना है, ट्रिगर आउट करना है कि हमारे बच्चों का एप्टीट्यूड क्या है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर हम अपने सिस्टम को देखें तो कहीं ना कहीं हमारे तो वालदैन एक फैसला इम्पोज कर देते, मेजॉरिटी केसेस के हवाले से बात करूँगी, कि हमारी तो ये ख्वाहिश है ये बच्चा डॉक्टर बने, हमारी ख्वाहिश है ये इंजीनियर बने, या अगर लड़की है तो हमारी ख्वाहिश है कि सिर्फ इसके लिए डॉक्टर होना ही बेहतर है, तभी ये इस मुआशरे का फाल किरदार बन सकती है, तभी ये एग्जिस्ट कर सकती है, और तभी इसको ये मुआशरा एक्सेप्टेंस भी देगा। ये जो दो तीन प्रोफेशंस का नाम ले लेना या इन्हीं के हवाले से सिर्फ इम्पोज कर देना फैसला, क्या ये दुरुस्त है? हाँ, यहाँ पे मैं आपके बात से एग्री करूँगा। असल में ना, मैं अक्सर पर्सनल निजी गुफ्त महफिल में भी कहता हूँ, इस वक्त बच्चों की तरबियत से ज़्यादा वालदैन की तरबियत की ज़रूरत है। ये जो पेरेंटिंग का वर्ड आया है, इससे पहले आप और हम जिस एज से तारुफ रखते हैं, तो हमारे वालदैन बगैर पेरेंटिंग के नाम पे हमें वो चीज़ें सिखाते थे जो आजकल एक सिलेबस की सूरत में, कोर्स की सूरत में, कंटेंट में एक इंडस्ट्री बन गई है। इनफैक्ट जो सब चीज़ें बिलोंग करती हैं तरबियत से, जिस अब तरबियत याफ्ता होने के लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है या नहीं, एक अलग डिबेट है। हमारी वालदैन, हमारे बुजुर्ग जो होते थे, शायद आजकल के हिसाब से इतने ज़्यादा इंटेलेक्चुअल या पढ़े लिखे ना हो, लेकिन वो बाशऊर होते थे, वो बच्चे का रुझान देख लिया करते थे। तो उसमें मैं समझता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे, मैं डॉक्टर होते चाहता हूँ मेरा बच्चा डॉक्टर बने, ये अगर ये चाहते हैं तो बच्चों को उन फील्ड में इंडल्ज करें, उनको उन एक्टिविटीज़ में इंगेज करें। मिसाल के तौर पर मैं अपनी बेटी को चाहता हूँ वो फिलेंथ्रोपिस्ट बने, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और इस तरह की चीज़ों में आए, तो मैं उसको उस तरह की एक्टिविटीज़ में अपने साथ लेके जाऊँ। कहीं प्लांटेशन हो रही है उस एक्टिविटी में साथ लेके चले जाऊँ, कोई फेस्टिवल हो रहा है, कोई डिबेट हो रहा है, जिस तरह आपका कोई प्रोग्राम हो रहा है, मुझे एज ए एंकर या एज ए चीज़ अगर आप अच्छी लगती हैं या प्रोफेशन अच्छा लगता है, तो अपनी बेटी को उन एक्टिविटीज़ में उन जगहों पर इंगेज करूँ जो मेरे फ्रेंड सर्कल में लोग हैं। तो उस लिहाज से यहाँ पर पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है अपना डिसीजन मत थोपें, और जिस तरह सर ने बात की, हमें बच्चों के इंटरेस्ट और पैशन को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। इंटरेस्ट वक्त के साथ साथ चेंज होता रहता है, वो आइडियलाइज करता है, आज मुझे आप अच्छी लग रही है तो मैं एंकर बनने की कोशिश करूंगा, कल मैडम अच्छी लगी तो मैं एजुकेशन बनने की करूंगा, लेकिन जो आपका पैशन है ना वो चेंज नहीं होगा। तो हमें अपने बच्चों को पैशन आइडेंटिफाई करने के लिए टिल स्टार्ट, और ये कैरियर की बात करते हैं, मैं थोड़ा सा कैरियर वर्ड से इख्तलाफ करता हूँ। कैरियर जो हम समझते हैं, मेरे ख्याल में तो पैदा होने से पहले ही से बच्चे की तरबियत शुरू हो जाती है, और जो महज़ूब अकवाम हैं और हमारे भी जो इस्लामिक वैल्यूज़ थी, बच्चे की पैदाइश से पहले ही वालदे माओं के लिए कुछ चीज़ें कह दी जाती थी कि उस पीरियड के दौरान आप कुरान शरीफ की तलावत ज़्यादा रखें, ये चीज़ें, क्योंकि रूह तो पैदा हो गई है ना, तो उसकी तरबियत हो रही है। हम कहते हैं नहीं, फिफ्थ ईयर, पाँच साल के बाद, यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। टिल वेरी फर्स्ट डे शुरू में पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, फिर फैमिली की जिम्मेदारी है, फिर जैसे जैसे वो बच्चा बाहर निकलता जाए उस तरह उन लोगों की जिम्मेदारी आती जाती है। साइकोलॉजिकल रिसर्चेस भी ये प्रूव कर चुकी हैं कि पाँच साल की उम्र तक बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलप हो चुकी होती है, जो क्वालिटीज़, जो ट्रेड्स आप उसके अंदर डेवलप करना चाहते हैं वो ऑटोमेटिकली इनकलकेट हो चुकी होती हैं, सिर्फ उसने बाकी टाइम तो प्रैक्टिस करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है कि किस तरह से वो इसको तमाम तर जिंदगी गुजारेगा या वो उन्हीं ट्रेड्स के ऊपर जो है वो कारबंद रहेगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा, नॉर्मली हमारे जो बच्चे हैं, बच्चे के दुनिया में कोई भी इंसान पैदा हुआ है ना,
परफेक्ट पैदा हुआ है। फिर वक्त के साथ साथ जिस हालात वाकई में वो कुछ स्किल डेवलप होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं होती। अगर हम डे वन से कुछ इस तरह मैकेनिज्म सिस्टम स्टार्ट कर लें कि उस बच्चे में स्किल या टैलेंट आइडेंटिफिकेशन हो जाए, क्योंकि बच्चा अपनी स्किल को टैलेंट को नहीं पहचानता है। बिल्कुल, ये आपके दिमाग, अगर हमें शुरू में उसकी एक ही स्किल का पता चल जाए या एक ही टैलेंट का पता चल जाए, उसी को हम लेके चलें, तो शायद वो माशरे का मुफीद शहरी भी बन सकता है और मुफीद कारामद ह्यूमन भी बन सकता है। हमारा अलमिया यह है टिल डेथ तक हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि हमें स्किल क्या थी या टैलेंट क्या था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब स्किल डेवलपमेंट के हवाले से चीज़ें आ रही हैं। लेकिन एक होता है अंदर से स्किल आना और एक होता है मैन आप पता नहीं कि आप बहुत अच्छी एंकर रही हैं, तो हो सकता है आप हों नहीं, लेकिन जेन्युइनली ये मछुआ आपके जो आपके साथ रहता है, जिसने आपका पूरा ब्रॉटअप देखा हुआ हो, वो अगर आपके बारे में बात करेगा उसका वेट ज़्यादा होगा बनिस्बत मैं आपके दो घंटे का सेशन करके तीन घंटे का सेशन, मेरी बात में भी लॉजिक होगी, लेकिन जो इम्पैक्ट वो बंदा होगा जो आपके साथ पूरी जिंदगी आपको बचपन से देखता हुआ आया है। बिल्कुल ऐसे ही हमें उन लोगों के पास जाने की जरूरत है जो भी कोई डिसीजन हम लेना चाह रहे हो, चाहे वो कैरियर का हो, चाहे सब उसका सब्जेक्ट के हवाले से हो, वो आपको ज्यादा और एक या दो से ज्यादा आप लोगों से मशवरा लें, लेकिन बहुत ज्यादा मशवरा मतलब कंफ्यूज भी हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, ये भी कंफ्यूजन जनरेट करती है। बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेस किया शगुफ्ता। तो हम ये देखते हैं कि जहां हम पेरेंट्स के हवाले से बात कर रहे हैं, अब्दुल अजीज साहब कहते हैं कि पेरेंट्स ही बच्चों का जो है वो ट्रिगर आउट कर सकते हैं, पैशन क्या है, उसको कौन सा प्रोफेशन ऑप्ट करना चाहिए, उसको गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकते हैं। बड़ी अच्छी बात की राफी साहब ने कि हम ये देखते हैं कि बहुत सारी डाइवर्सिटी आ जाती है, कि पेरेंट्स की ख्वाहिशात भी आ जाती हैं, पेरेंट्स कुछ फैसले भी इम्पोज कर देते हैं, कहीं ना कहीं वो इनसिक्योर होते हैं और चाहते हैं कि वो अपने बच्चों का जो फ्यूचर है एटलीस्ट वो सिक्योर कर सकें। एक और चीज़ जो हम देखते हैं कि एक दूसरे की देखा देखी, एक रैट रेस का तस्वीर हमें नज़र आता है कि हम भी ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी इसी भेड़ चाल का हिस्सा बन जाए। फलां का बेटा डॉक्टर है, देखो वो कामयाब है, तुम्हें भी वो बन के दिखाना है। बड़े भाई ने इतने मार्क्स लिए हैं, तुम्हें भी इतने ही मार्क्स लेकर आने हैं। वो जो एक हमारे यहाँ तस्वीर है कि हम दूसरों की ज़्यादा परवाह करते हैं कि अगर हमारा बच्चा किसी और प्रोफेशन में जाता है, किसी ऐसे प्रोफेशन में जो कि रिनाउंड नहीं है या कोई पहले से हमारे ख़ानदान का उसमें एक्सेल नहीं कर रहा, तो हमें ये डर हो जाता है कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे, लोग एक्सेप्टेंस देंगे या नहीं देंगे, इसने ये प्रोफेशन ऑप्ट किया तो पता नहीं किसी नुकसान में ना चला जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इनसिक्योरिटीज़ के तौर पर हमारे साथ चलती हैं, इनके ऊपर क्या कहना चाहेंगी? करियर काउंसलिंग, अभी बात हो रही थी बचपन के किस स्टेज के ऊपर हम बच्चों को काउंसलिंग करें, अब बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स भी हैं जो बहुत रिनाउंड पर्सनालिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड गुजरी हैं, जिनके बारे में मैंने ये पढ़ा कि जी वो ये कहते हैं कि बचपन में हमारे ये इश्यूज थे, लोगों ने तो ये कहा था कुछ भी नहीं बनेंगे एंड दे गॉट नोबेल पीस प्राइजेस उन्होंने रिसीव किए। तो दैट मीन्स कि वो ये एक्सेप्शनल केसेस हैं, सबके लिए नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो मैं समझती हूँ मेरे नज़दीक जो काउंसलिंग का सही टाइम है, जैसे सर ने कहा, वो सेकेंडरी एजुकेशन के वक्त आपको बच्चे के ट्रेंड का पता चल जाता है कि जी बच्चा किस तरफ एक्सेल कर रहा है। सेकेंड ये कि डेवलप्ड कंट्रीज़ की अगर मैं बात करती हूँ कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में यूरोपियन यूनियन की बात करती हूँ क्योंकि उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट हमारे साथ चलते रहते हैं। यूरोपियन यूनियन जो है उसने स्पेशली ऑल डेवलप्ड कंट्रीज़ नॉट ओनली यूरोपियन यूनियन कि स्पेशली वो फंड को एलोकेट करते हैं फॉर दिस करियर काउंसलिंग एक्टिविटी। ठीक, क्यों? सो एनश्योर टू इंक्लूसिव अप्रोच एंड द सिटीजन एम्प्लॉयबिलिटी, मैक्सिमम सिटीजन एम्प्लॉय हो सके करियर काउंसलिंग गाइडेंस देकर उसके लिए स्पेशल फंडिंग एलोकेट कर दी जाती है, इतना इंपॉर्टेंट इसको समझा जाता है। पाकिस्तान में करियर काउंसलिंग के हवाले से जो एफर्ट्स हुई हैं उसके ऊपर मैं आई एम लकी दैट आई वर्कड इन नेशनल वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन फॉर 7 ईयर्स, तो मैं उसके इन एंड आउट्स को बहुत अच्छी तरह समझती हूँ। उसमें पाकिस्तान में 100 के करीब वोकेशनल काउंसलिंग एंड जॉब प्लेसमेंट सेंटर VC एंड JPC जो है वो 100 इस्टेब्लिश हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, मुख्तलिफ सूबों के अंदर इस्टेब्लिश हुए हैं, स्कूलों के अंदर हुए हैं, सेकेंडरी लेवल पे हुए हैं, जहाँ पे स्किल्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जा रही हैं बच्चों को, फिर आगे उनको काउंसलिंग दी जा रही है कि जी आपने अब किस प्रोफेशन को आपने ज्वाइन करना है, आपके पास क्या एप्टीट्यूड है, आप किस तरह से आप स्किल एक्सेल करना चाहते हो, कहाँ पर आप बेहतर हो सकोगे। जैसे मैंने शुरू में आपसे बात की थी कि करियर काउंसलर जो है वो बेसिकली आपका क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस, आपकी वीकनेस एंड आपकी स्ट्रेंथ, इसको लेकर वो आप मर्ज करता है एंड देन वो लेबर मार्केट के साथ लाइन करके वो आपको गाइड करता है। टीचर्स पेरेंट्स के लिए जो है वो सबसे बेस्ट टाइम जो होता है वो यही होता है कि सेकेंडरी लेवल के ऊपर जब बच्चा आ जाता है तो आप उसके एप्टीट्यूड को जब एनालाइज कर लें। बहुत दफ़ा ऐसा भी देखा गया कि बच्चे ने कहा कि जी मैं तो बिजनेस करना चाहता हूँ, और बिजनेस भी किसका करना चाहता हूँ जी, मैं बुटीक खोलना चाहता हूँ और मैं
ब्यूटी पार्लर का और इस तरह का सैलून्स का जो है वो काम करना चाहता है, वो मदर के लिए फादर के लिए तो एक शॉकिंग पॉइंट हो जाता है ना कि ये हाउ कम। फिर बच्चा कहता है मैं शेफ बनना चाहता हूँ, तो वो कहते हैं हमारे घर में तो डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, ये शेफ कहाँ से आ गया। यानी एक्सेप्टेबिलिटी पेरेंट्स की तरफ से नहीं होती, जबकि वो बच्चा अगर उसमें जाता है तो बहुत एक्सेल करता है और वो वर्ल्ड में अपना नाम बना लेता है। बहुत सारी ऐसे एग्जांपल्स मौजूद हैं वर्ल्ड के अंदर। तो पेरेंट्स को इम्पोज करने की बजाय जो है वो बच्चे के एटीट्यूड को देख लेना चाहिए। आपको चाहिए आप उसको एक कामयाब इंसान बनाना चाहते हैं ना, आप बनाना चाहते हैं कि जी वो लाइफ में एक्सेल करे, वो लाइफ में कहीं भी किसी भी प्रॉब्लम में ना पड़े, कहीं भी स्ट्रक ना हो कहीं भी जाकर, तो उसको जस्ट लेट हिम गो, उसको जाने दें, वो जिस तरफ जाना चाहता है उसका हो सकता है कि वहाँ पर जाकर वो बेहतर हो जाए। जैसे कि जहांगीर खान के बारे में, जहांगीर खान के इंटरव्यू को मैं सुन रही थी, उन्होंने कहा कि मेरी लेग्स का प्रॉब्लम था बचपन में और मुझे लोगों ने, मेरे वालदैन बहुत परेशान होते थे कि इसका क्या बनेगा। तो देखें जी वो स्क्वाश के जो है वो खिलाड़ी रहे और अनबीटेबल सिचुएशन रही उनकी ईयर्स के तौर पर। इसी तरह से एक और मिसाल आपको मैं रेनाउंड पर्सन की दे देती हूँ, तो वो उसकी वालदा ने, वालदा के पास लेटर आया स्कूल से बच्चा आया, तो उसने कहा कि जी मेडिसन ने कहा कि जी आप जो है, मदर ने से पूछा बच्चे ने कि आपको टीचर ने क्या लिख के दिया, तो उसने कहा कि टीचर ने, माँ ने ये कहा, माँ हाउ शी वॉज सेंसिबल पर्सन, माँ ने कहा बेटा उन्होंने लिखा है कि मेरा आपके बेटे में इतनी काबिलियत है कि इसको पढ़ाने के लिए हमारे पास क्लास में कोई टीचर मौजूद नहीं है, लिहाजा स्कूल में कोई टीचर आपको बच्चे को नहीं पढ़ा सकता, आप इसको घर पे रखें। और उसने लपेट के लेटर अपने बॉक्स में रख दिया। व्हेन मदर डाइड और बच्चा जब जवान हो गया, रेडिसन मतलब इतना काबिलियत उसके अंदर आ गई कि उसने दुनिया में अपने आप को नाम मनवाया, तो उसने जब वो लेटर ओपन किया तो उस पर लिखा हुआ था कि ये बच्चा इंतहाई नलायक है, इसके ऊपर जो है हम किसी भी तरह से कोई टीचर को पढ़ाने को तैयार नहीं है। तो ये एक्सेप्शंस हैं, लेकिन मेजॉरिटी हमारे बच्चे जो हैं वो ब्रिलियंट होते हैं, हमें उनको टाइम देना चाहिए और हमें उनको स्पेस देनी चाहिए कि वेयर दे वांट टू गो, देनी चाहिए, टाइम देना चाहिए और साथ ही साथ उनको गाइडलाइन प्रोवाइड करनी चाहिए कि कौन सा फैसला उनके लिए बेहतर हो सकता है, किस तरफ उनका रुझान है, उसी रुझान के तहत हम उनका प्रोफेशन भी ऑप्ट कर सकते हैं। पेरेंट्स के हवाले से बात हो रही है, चूँकि अब्दुल अजीज़ साहब इसी को कंटिन्यू करेंगे। बाज़ औक़ात हम ये भी देखते हैं कि कुछ फेवर्स आ जाती हैं बीच में कि बस मेरी ये चॉइस है, मेरी यहाँ पर रुझान भी है और मैं चाहता हूँ मैं डॉक्टर ही बनूँ। मेरिट पे ना आने के बाद बच्चा फेलियर का शिकार हो गया है, वो सोच अपने ऊपर इतनी हावी कर लेता है कि शायद उसके पास कोई ऑप्शन, कोई प्लानिंग, कोई और उसके पास सोच ही नहीं आती। वो तो समझता है बस मेरी दुनिया यहीं से ख़त्म होती थी और यहीं पे जो है वो शुरू होती थी और यहीं पे ख़त्म हो गई है, अब तो मेरे पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, किसी और प्रोफेशन को मैं ऑप्ट ही नहीं कर सकता। इस सोच को तोड़ना कितना ज़रूरी है और किस वक्त तोड़ी जा सकती है? ये बेसिकली ये बनती किस वजह से बनती है, हम बच्चे को जिस माहौल में रखते हैं, वो अगर ख़ानदान में चंद नौजवान हैं जो डॉक्टर्स बन रहे हैं, तो अगर वो बच्चा देखता है कि फलां फलां भी डॉक्टर है, तो वो भी उस रेस का हिस्सा बन जाता है। ये जो रेस है, ये इसमें जो अपनी सलाहियत से हट के जब आदमी शामिल हो जाता है, तो ये कुछ चीज़ें खराबी पैदा करती हैं। तो ये है कि उसको थोड़ा सा आपने उस माहौल में से निकालना होता है, उस बच्चे को आप उस माहौल में से निकाल के उसको और चीज़ों की तरफ भी जो से ना दिखाएं उसको और उसकी तरफ माइल करने की कोशिश करें, उसके स्पेक्ट्रम को ब्रॉड कर दें, जिसको ये चीज़ें उसकी ब्रॉड हो जाती हैं तो वो फिर और चीज़ों की के मुतलक भी सोचने लगता है। तो ये सबसे पहला तो यही है कि बच्चे को जो से ना आपने उस माहौल में से निकालना है और फिर उम्मीद दिलानी है, फिर बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, जल्दी एक चीज़ से हट भी जाते हैं और दूसरी तरफ लग भी जाते हैं। तो इसके पे बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करने की, ज़रा सा भी काम करें तो चीज़ें बच्चों को आप दूसरी तरफ उनका ट्रेंड शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक, इसमें टीचर्स किस तरह से किरदार अदा कर सकते हैं, वो किस तरह से गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि वो ही एक अल्टीमेट सोर्स है कि जहाँ पे बच्चा भी आके रुकता है और कहीं ना कहीं वालदैन की सोच भी चेंज हो सकती है। हाँ, असल में ये देखें ट्राइंगल है, इसमें एक बच्चा है, एक वालदैन है और एक टीचर्स हैं। अगर जो वालदैन अपने बच्चे के टीचर्स के साथ अटैच रहते हैं, मिलते रहते हैं, बच्चों के बारे में डिस्कस करते रहते हैं, वो वहाँ पे डिसीजंस उमूमन कम गलत होते हैं, वहाँ पे चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। लेकिन जो वालदैन टीचर्स के साथ मुंसलिक नहीं रहते और अटैच नहीं रहते, अपने बच्चों के बारे में डिस्कस नहीं करते, वहाँ पर जो सा कुछ बच्चे के हवाले से ना कोई बेहतर फैसले नहीं हो पाते।
तो बहुत ज़रूरी है कि टीचर्स, पेरेंट्स और एक बच्चा ख़ुद मिलके ये तमाम तर चीज़ों को निकाले और इन मामलों को वही सॉर्ट आउट कर सकता है, वही सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, कहाँ पर एक्सेल करना मेरे लिए फेवरेबल है, मेरे लिए फिजिबल है। इन तमाम तर चीज़ों पर हम मज़ीद भी डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। टीचर्स ट्रेनिंग इन तमाम तर चीज़ों को किस तरह से इंडोर्स करती है, किस तरह से हेल्प आउट करती है कि टीचर्स को गाइडलाइन प्रोवाइड की जाए, उनकी भी काउंसलिंग की जाए, उनको भी ऐसी मेथडोलॉजी सिखाई जाए कि जिसके ज़रिए वो बच्चों की काउंसलिंग भी कर सकते हैं, उनके करियर के हवाले से हो, उनके फ्यूचर के हवाले से हो, उनके प्रोफेशन के हवाले से हो, या ओवरऑल उनके अंदर वो क्वालिटीज़ इनकलकेट करने के हवाले से हो जो कि इस माशरे की बागडोर संभालने में उनको हेल्प आउट करेंगी। मज़ीद डिस्कशन के सिलसिले आगे बढ़ाएंगे, एक ब्रेक की जाने पड़े, ब्रेक से वापस आते कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक जी सत्सवेरा में, एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। इंटरेस्टिंग गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, करियर काउंसलिंग के हवाले से हम बात करें, ये क्या है, इसकी क्या ज़रूरत है और इसकी अहमियत को किस तरह से हम जो है वो समझा सकते हैं, बता सकते हैं, चाहे वालिदैन को बतानी हो या फिर बच्चों के हवाले से। जब हम बात करते हैं कि बच्चों के अंदर ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कैसे डेवलप कर सकते हैं कि उन्होंने किस प्रोफेशन का इंतखाब करना है, कौन सी फील्ड ऐसी है जिसमें वो एक्सेल कर सकते हैं, किस जो है वो पेशे को वो इख्तियार करके अपनी फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं, अपनी कामयाबी हासिल कर सकते हैं, अपनी तरक्की की राह को जो है वो हमवार कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम ताल्लुक़ रखते हैं कि अपने बच्चे के साथ तो हम रहें लेकिन साथ ही साथ हम उसके फ्यूचर के हवाले से भी कंसर्न होते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा कामयाब हो, वो इस माशरे की बागडोर संभाले और इस माशरे को सर्व करने के लिए, सोसाइटी को सर्व करने के लिए वो भी अपना किरदार अदा करे, लेकिन कहीं ना कहीं हम लैक कर जाते हैं, या तो पेरेंट्स की जानिब से ऐसी तवज्जो नहीं हासिल कर पाते बच्चे, या फिर टीचर्स बच्चों को ट्रेन नहीं कर पाते। ऐसे में टीचर्स की ट्रेनिंग की जब हम बात करते हैं राफ़िज़ साहब, तो कितना ज़रूरी है एक टीचर जब इस प्रोफेशन का इंतखाब करे, कहीं ना कहीं वो प्रोफेशन से मुंसलिक की बात आती है, तो क्या वो पैशनेट होकर इस प्रोफेशन का इंतखाब कर रहा है, बाय चॉइस इस प्रोफेशन में आ रहा है, या फिर खुदा न खास्ता वो बाय चांस आ रहा है तो वो अपने मुस्तकबिल के साथ भी खेल रहा है और बच्चों के मुस्तकबिल के साथ भी खिलवाड़ कर रहा है। बिल्कुल सही आपने बात कही। असल में ना अगर हम स्कूल में स्कूल सिस्टम को देखें ना, स्कूल की जो फाउंडेशन है वो तीन है, पेरेंट्स, टीचर्स और स्कूल मैनेजमेंट, और बच्चा उनके सेंटर में। डेफिनेटली ये तीन मिलकर एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, इनमें से कोई एक भी वीक होता है ना तो चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। टीचर जो है वो भी इसी सोसाइटी का हिस्सा है, पेरेंट भी इसी सोसाइटी का हिस्सा है, और जो स्कूल मैनेजमेंट है वो भी इसी सोसाइटी का हिस्सा है। हर शख्स जिस ऑब्जेक्टिव, जिस पर्पज से आया वो तो अचीव करना चाहेगा। टीचर का वाहिद ऑब्जेक्टिव पहला तो ये होता है कि मेरी सैलरी अच्छी हो। यहाँ पर मैं कहता हूँ कि सबसे पहले टीचर्स को अपॉइंट करते हुए उनका भी एप्टीट्यूड या पैशन देखना चाहिए। अब टीचर फॉर द सेक ऑफ टीचर नहीं रहा, टीचर अब रोल मॉडल भी नहीं रहा। टीचर को अब जब तक वो मेंटोरिंग के रोल में अपना आपको नहीं ले ढालेगा, जब तक बच्चे की तरबियत, उसकी अखलाकी तरबियत या उसकी स्किल डेवलप नहीं होगी। अब टीचर अपना आपको मेंटोरिंग मोड में जब लेके आएगा, जब वो पैशनेट होगा। हमारा अलमिया ये है कि हम गवर्नमेंट स्कूल में बात नहीं कर रहा, गवर्नमेंट में भी, लेकिन प्राइवेट स्कूल में सैलरी बेस होती है। अब टीचर्स को अगर कोई स्कूल टीचर ने 50,000 पे रख लिया है तो स्कूल मैनेजमेंट चाहेगी उस टीचर को मैं निचोड़ लूँ। 7 पीरियड्स हैं डे टाइम में तो 6 उसको लाजमी दूँ। क्वालिटी प्रोड्यूस करने के लिए टीचर्स को एटलीस्ट 3 या मैक्सिमम 4 और 2-3 पीरियड हों, ताकि वो बच्चों से बाद में इंटरेक्शन कर सके। और अपने जो लेक्चर्स हैं, अब लेक्चर ये यूनिवर्सिटीज में ही नहीं तैयार होता, अब स्कूल लेवल पे भी होते हैं। अगर उनके पास टाइम, अगर आप ये समझती हैं कि टीचर स्कूल के बाद घर जाके चीज करेगी, घर जाके वो एक माँ है, बीवी है, बहू है, वो वाली चीजें भी हैं, तो यहाँ पर वो जो बैलेंस लाइफ है वो डिस्टर्ब होता है। तो मैं यहाँ पे स्कूल मैनेजमेंट को ज्यादा कहता हूँ कि टीचर्स को, अब टीचर्स ट्रेनिंग प्राइवेट स्कूल में टीचर्स ट्रेनिंग को एक लाइब्रेरी समझा जाता है। ठीक, यस, हम इन्वेस्ट क्यों, इतने टिकना तो है नहीं, छोड़ के चले जाएंगी, ऐसे ही है, ठीक है ना। गवर्नमेंट स्कूल का एटीट्यूड रिस्पेक्ट में वो अपने आप भर्ती समझते हैं, यार पैसे कितने मिलेंगे, लंच मिलेगा नहीं मिलेगा, दे लीस्ट बॉदर, उस पर इन्वेस्टमेंट हो रही है, उनकी स्किल एनहांसमेंट के लिए प्रोफेशनल्स को लाके बिठाया जा रहा है, उनकी कॉस्ट है, मैं पैसों की बात नहीं कर रहा, दे रही है ना, डिलीवर कर रही है, वो इसका रियलाइज नहीं करते।
या कोई फर्क उसको पढ़ना नहीं है, वो एक नेगेटिव एटीट्यूड। यहाँ पर बीइंग मोटिवेशनल स्पीकर ये चीज़ आती है जब सबसे पहले आप अपने टीचर्स को बताएं जिस जगह आप बैठी हुई है ना, यू आर द बेस्ट। और बेस्ट जस्ट फॉर द सेक ऑफ हवा भरने वाली नहीं, उन्हीं की उस चीज पे उनके डिसीशन को ओन करवाएं, उसको स्टेक होल्डर बनाएं, उसकी ओनरशिप दिलवाएं, देन इफ वी शी गेट ओनरशिप फिर चीजें चेंज होना शुरू होती है। और बच्चों को ना अगर इस तरह समझे कि ये जो मेरे बच्चे हैं ये नर्चरिंग है, नर्सरी में हैं, इनको मैंने ग्रूम करना है, ये अगर फीलिंग आ जाए तो आपका वर्किंग स्टाइल और टीचिंग मेथोडोलॉजी एंटायरली डिफरेंट हो जाएगी। अभी बीच में सर एक बात कर रहे थे, क्लास में हर बच्चे डिफरेंट फ्रीक्वेंसी माइंड के होते हैं और ये फर्स्ट सेकंड थर्ड में पता चल जाता है। अब बच्चे अगर सवाल करते हैं बाद आपको लगता है ये बच्चे ने ये क्या फजूल से सवाल कर दिया, मैं पढ़ा रही हूँ इस्लामिया, वो बोल रहा है मिस आपने लमजे को देखा है, मिस डांट देंगी। अब अगर मैं बैठा हुआ हूँ आप बैठे हो तो आप सोचेंगे बच्चे ने सवाल पूछा क्यों, चले उस क्लास में आप नहीं करेंगे बच्चे डिसर्ट, बाद में बिठाए बेटे को बच्चे बेटा आपने क्यों पूछा था, उसके जहन में कुछ ना कुछ है जो उस पर गया है, बिल्कुल ऐसे तो वो फिर बताएगा। अगर वो क्यूरियोसिटी या वो नॉलेज उसको उसी टाइम पे या तो क्यूरियोसिटी खत्म कर दी जाए, अगर वो रहती है ना वो फिर जो राइट जगह से इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही होती ना फिर लेफ्ट राइट से लेने की कोशिश करता है, इट्स नॉट नेसेसरी लेफ्ट राइट से मिले वो सही भी मिले। तो यहाँ पर वो जो टीचर है रिलैक्स हो, सेटिस्फाइड हो, पैशनेट हो, तो फिर वो इस तरह के बच्चों की कोचिंग या बच्चों के सवालात को इंटरटेन भी करेगी और सॉल्व भी करेगी, बिल्कुल, और बच्चे की क्रिएटिविटी को एनहांस करेगी। और हम बच्चों को ना पढ़ाना सिखाते हैं जबकि मुझे जरूरत है बच्चों को पढ़ाना नहीं सिखाना चाहिए, बच्चों को जो आता है वो करने देना चाहिए। इस मॉडल पर अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम हो ना तो चीज़ हो जाएगी। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ भी लैक करती है, जब हम टीचर्स ट्रेनिंग की बात करते हैं या तो फिर वही बात है कि हमारा एनवायरनमेंट उस तरह से इजाज़त नहीं देता, वहाँ पे एक्सेप्टेंस की कमी है, टीचर्स भी कहीं ना कहीं अपने एंड से अपने आप को परफेक्ट समझते हैं और वो कहते हैं कि हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, जिन मेथोडोलॉजीज को हम फॉलो करें एज इट इज़ ही आगे लेकर जाएंगे, क्योंकि इसी से पहले बच्चे भी जो है इस्तफादा करके निकल चुके हैं, तो अब इन बच्चों को क्या तकलीफ़ है या इनको क्या कंप्लेन है हमारे से, हम तो इसी रूल के तहत इसी मेथोडोलॉजी के तहत इसी का जो तमाम तरीक़ेकार है इसी को फॉलो करेंगे। असल में ना यहाँ पर मैं ना ये आपकी पर्सनालिटी का ट्रेट्स आते हैं, अगर आप ओपन माइंडेड हैं और समझते हैं कि ये 2021 है, जिस तरह मेरे असातिज़ा ने मुझे पढ़ाया है मैं भी अगर उनके स्टाइल में अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा तो वो भी ऐसे निकलेंगे, नहीं आप गलत है। वक्त टाइम एनवायरनमेंट चेंज हो गया है, आपके बच्चे आप जैसे नहीं है, बच्चे अगर आप नॉलेज वाइज इंफॉर्मेशन वाइज देखे जाए आपसे 100 टाइम्स आगे हैं। आप अपने बच्चों को अपने स्टूडेंट्स को नॉलेज और इंफॉर्मेशन में चेक नहीं कर सकते या बीट नहीं कर सकते, कहाँ आप उनको कर सकते हैं, यू आर एक्सपीरियंस यू आर मेंटोरिंग रोल, यही तो आपके पास है। अगर इन्हीं को अपनी स्ट्रेंथ बना के आप चलें, अगर उनसे इंफॉर्मेशन पे डिबेट करना शुरू करें, नॉलेज पे बेस करना शुरू, फिर तो आप कंपटीशन में आ गए, एक उस्ताद का बच्चों से मुकाबला कंपटीशन नॉट एक्सेप्टेबल। अब आपने जो बात की टीचर अपने आप को अकले कुल समझते हैं, उनका यह है कि वो ना डरते हैं, हर बंदा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी ने नई चीज़ों से ऑफेंड होता है कि यार नई चीज़ आ गई तो शायद मैं अपनी वो स्टेटस या पोजीशन लूज ना कर जाऊँ, तो उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए वो नहीं नहीं यही सही जो मैं पढ़ाता आ रहा हूँ। अब अगर वो डिसीजन मेकिंग स्टेज पे है और वो इसी चीज़ पे चल रहा है तो इन लाला राजून वाला मामला है, और अगर वो इस चीज़ को ओपनली देखे कि यार ठीक है मैंने पढ़ा लेकिन न्यू टीचर ये लोग आए, नया ब्लड आए, नई थॉट्स आए, तो नई चीज़ें जानते हो, वेलकम करें, अपडेट, ये आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट आ रही है। तो टीचर्स और मैनेजमेंट की जो ट्रेनिंग है वो यही पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, पर्सनल डेवलपमेंट है उनकी स्किल, और दूसरी जो आपने टीचिंग या सब्जेक्ट्स पढ़े हुए वो वक्त के साथ साथ चेंज हो रहे हैं। इसमें मैं आपके आकर शेयर करूँ, मैं एक टाइम मैनेजमेंट की ट्रेनिंग 2009 में अटेंड कर रहा था, बल्कि करवा रहा था, तो मोहम्मद बशीर जुमा साहब इज ए रिनॉर्ड टाइम मैनेजमेंट स्कॉलर वो हैं और थे, तो उसमें मैंने देखा एक कंपनी के सीईओ साहब थे, कहता है ये मैं फोर्थ टाइम टाइम मैनेजमेंट की ट्रेनिंग अटेंड करूँ, मैं कहता खुदा का खौफ करें चौथी दफ़ा, कहते हैं 10 ईयर्स में चौथी दफ़ा है, मगर क्यों कर रहे हैं आप ये, कहते हैं मैं इतना बिजी हूँ मेरे पास टाइम नहीं होता है, तो इस बहाने में अपना आपको चेक भी कर लेता हूँ हो क्या रहा है, और एटलीस्ट 2 दिन के लिए
सारी दुनिया से कट के जीरो होके सोचता हूँ कि जो मैं सोच रहा हूँ वही भी दुनिया सोच रही है, तो ये भी है। तो ट्रेनिंग की इम्पोर्टेंस ये है, वो कॉर्पोरेट प्रोफेशनल है, वो उसके एक दिन के अगर मिनट कॉस्ट निकाल जाए दिन की हजारों लाखों में निकलते हैं, लेकिन वो समझते हैं ट्रेनिंग की इम्पोर्टेंस को। हमारे यहाँ ट्रेनिंग की इम्पोर्टेंस या उसका कल्चर अभी तक डेवलप नहीं हुआ, क्यों नहीं हो पाया श्री गुप्ता साहिबा से जानते हैं। ये बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया राफी साहब ने, मैं इस पर आप दोनों के कमेंट जानना चाहूंगी, क्यों हमारे यहाँ ट्रेनिंग से कतराते हैं हम, हमें क्यों ऐसा लगता है कि हमें शायद नालायक कहा जा रहा है, हमें सप्रेस किया जा रहा है, या जितनी हमारे अंदर क्वालिटीज हैं उनको नहीं एक्सेप्टेंस मिल रही इसीलिए हमें ट्रेनिंग की जानिब ले जाया जा रहा है। जी, मेरा थोड़ा सा मुख्तलिफ व्यू है इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से लेके चलूँगी कि पाकिस्तान में एजुकेशन की दो स्ट्रीम है, एक जनरल एजुकेशन है एंड वोकेशनल एजुकेशन है, वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन। दोनों के अंदर ट्रेनिंग करने की जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो डिफरेंट हैं, और वो दोनों को मैं बता देती हूँ आपको। इस वक्त अगर ट्रेनिंग की सबसे पहले इंपॉर्टेंट की बात करूँ कि इंपॉर्टेंस एक टीचर के अंदर क्या होना चाहिए, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, नंबर वन उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अबाउट द टॉपिक और अबाउट हिज ओन सब्जेक्ट, नंबर टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पेडागॉजिकल स्किल्स उसके अंदर होने चाहिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लर्नर्स स्पिरिट क्या है उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए, देन कम्युनिकेशन स्किल्स उसका बहुत अच्छा होना चाहिए, देन उसको यूज़ ऑफ हाई टेक जो इस वक्त यूज़ हो रहा है कंप्यूटर, लाइक इवन कंप्यूटर की बात करते हैं, ये क्वालिटीज जो है वो टीचर के अंदर होनी चाहिए। ट्रेनिंग का क्या फ़ायदा होगा, अगर ट्रेनिंग की तरफ आते हैं पहले से बात कर लेते हैं, ट्रेनिंग का फ़ायदा ये होगा कि जब आप 10 या 20 टीचर्स की ट्रेनिंग करते हैं तो वो फॉर एग्जांपल फिजिक्स के टीचर्स की ट्रेनिंग हो रही है, फिजिक्स के 20 लोग मिले हैं, सिंध से आए हैं, पंजाब से आए हैं, केपी से आए हैं, सारे आ गए हैं, वो बैठ रहे हैं, वो आप उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो सिर्फ ट्रेनिंग नहीं है, दैट इज़ द सोर्स ऑफ बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑफ दैट टीचर्स उनका बन जाएगा। नंबर टू उनके अंदर नए एवेन्यूज जो हैं वो एक दूसरे के साथ डिस्कशन जब करते हैं वो खुलते हैं। नंबर थ्री ये होता है कि आप वो बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, और फिर उनके जरिए जो पॉलिसी फार्मूलेशन अगर करनी है तो वो उनकी रिकमेंडेशन जो होती हैं उस ट्रेनिंग के दौरान जो आपको पता चलती हैं वो फिर आप फीडबैक देते हैं हायर लेवल के पर जाकर के, जी हमारे पास ट्रेनिंग आई फिजिक्स की टीचर है उन्होंने पूरे पाकिस्तान से उन्होंने ये फीडबैक दिया, तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ दैट ट्रेनिंग। अब बात करते हैं कि जनरल एजुकेशन में पाकिस्तान में इस वक्त 203 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, जिसमें 300 टीचर रिसोर्स सेंटर भी बनाए गए हैं। ट्रेनिंग्स होती हैं लेकिन बहुत कम होती हैं, जो कि होनी चाहिए, रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। जब आप प्रमोशन के लिए जाते हैं, प्रमोशन का टाइम आता है किसी टीचर का, जबकि जो कि एक बहुत बड़ा इशू है कि करियर प्रोग्रेशन टीचिंग साइड के ऊपर बहुत कम है, बहुत कम है डेफिनेटली। 20-20 साल गुजर जाते हैं एक ही ग्रेड में बैठे होते हैं, ये भी एक आपका मोरल डाउन करने का बायस बनता है कि आप किसी भी तरफ जाना नहीं चाहते। आप कहते हैं जी मैं क्यों ट्रेनिंग लूँ, मैं क्यों करूँ कोई भी चीज़, मैं क्यों फर्दर सब्जेक्ट्स पढ़ूँ, मिलिट्री में तो ट्रेनिंग देते हैं तो उसके बाद मेजर बन जाता है तो कर्नल बन जाता है, तो हमने तो कुछ भी नहीं करना इस तरह का। हम अपने सब्जेक्ट में, जैसे आप कह रहे थे, हम अपने सब्जेक्ट में माहिर, हमें कोई जरूरत नहीं, हमें इसके वी आर ओके। अब जैसे मैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से जब मैं डेपुटेशन वापस अपने कॉलेज वापस गई तो मैंने प्रिंसिपल किसी टीचर से कह रही थी कि जी फला कॉन्टेक्ट मुझे चाहिए। अब वो बेचारी स्टाफ रूम में आती है, मैं एक एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको, स्टाफ रूम में आती है, हैसल हुआ हुआ है अभी मुझे फला के कॉन्टेक्ट नहीं मिल रहे, तो मैंने कहा कि भाई आप लोगों के पास ना सबके पास एक लैपटॉप होना चाहिए और आप हर साल ये एक्टिविटी करते हो और आपके पास हर साल का डेटा मुकम्मल मौजूद हो जिसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो मुझे जवाब क्या मिलता है, मुझे जवाब ये कहते हैं हाँ देखो ना ये अब आ गई है, वापस आ गई, अब इसने ना हमें सारों को ना कंप्यूटर पर लगा देना। आप देखें मैंने तो नहीं लगाया कंप्यूटर के ऊपर, लेकिन कोरोना ने सबको कंप्यूटर पर लगा दिया, ऑनलाइन चल रहे हैं। तो ट्रेनिंग्स कितना ही अच्छा होता है कि इसकी अंडरस्टैंडिंग पहले से होती तो मुश्किलात होती। आपके पॉइंट को ही मज़ीद डिस्कस करेंगे एक ब्रेक की जाने में, नाज़रीन हमें बढ़ना है ब्रेक से, वापस आते हैं कंटिन्यू करते हैं। بہترین تعلیمی نظام کے لیے اساتذہ کرام کی ٹریننگ بھی ضروری ہے، ہم اس پر گفتگو کرتے بریک پہ جانے سے پہلے اور اسی ڈسکشن کے سلسلے کو کنٹینیو کریں گے۔ شگفتہ کی بات رہتی تھی، انہیں سے گزارش کریں گے اپنی بات مکمل کریں پھر ہم آگے بڑھیں۔ جی بالکل، جنرل ایجوکیشن میں تو یہ سچویشن ہے کہ جی اتنے انسٹیٹیوٹس ہیں، ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں، لیکن جو ٹریننگ کی جو فریکوینسی ہے وہ بہت کم ہے، مینس جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ ون سیکنڈلی یہ کہ جو کریکولر
चेंज है, लेकिन ट्रेनिंग तो आप जब करेंगे ना, कैपेसिटी बिल्डिंग तो तब करेंगे जब आपका करिकुला चेंज होगा। जब आपका करिकुला ही पुराना है, पीछे 20 साल से 10 साल से वही चला आ रहा है, आप क्या नया उसके अंदर एंटर करना चाहते हैं? यस, ट्रेनिंग कैन बी डन फॉर आईटी पर्पसेस, लाइक कंप्यूटर सिखाएं उनको, नए स्किल सिखाएं, पेडागोजिकल स्किल सिखाएं, नए बच्चों के जो ट्रेंड्स हैं उसके हवाले से ट्रेनिंग कर सकते हैं, लेकिन रिगार्डिंग करिकुला, रिगार्डिंग सिलेबस आप कुछ भी नहीं कर सकते उसके ऊपर, ट्रेनिंग के ऊपर। ये तो है जनरल एजुकेशन स्ट्रीम में कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर द टीचर। अब आ जाते हैं इधर वोकेशनल साइड के ऊपर। वोकेशनल साइड के ऊपर भी सिमिलर सिचुएशन है। अब इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ 1% एनरोलमेंट है स्टूडेंट की, ओवरऑल जितना एनरोलमेंट इस वक्त 50 मिलियन पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन के अंदर एनरोलमेंट है, तो उसमें सिर्फ 1% टिवेट एजुकेशन के अंदर है, टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के अंदर है। 1% जो है उसके लिए जो टीचर मौजूद है वो तकरीबन 18,000 के करीब टीचर मौजूद है। अब वहाँ के टीचर, क्योंकि मैं पूरे पाकिस्तान में इदारों को एक्रेडिटेशन करने के लिए हम जाते रहे हैं, और उसमें मैं जब ये देखा कि टीचर्स वहाँ पर 20 साल से एक ही ग्रेड में बैठा हुआ है, 20 साल से वहाँ पर आउटडेटेड वर्कशॉप्स मौजूद हैं, आउटडेटेड मशीनें मौजूद हैं वहाँ पर, उसी के बाद बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है, पुराने स्टेबस मौजूद हैं। इवन ऐसा हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक्स का जो कोर्स पढ़ाया जा रहा है वो 20 साल पहला कोर्स पढ़ा हुआ है, जब उसकी लैब के अंदर हम गए तो पता चला कि उसकी लैब में पुराने रेडियो पड़े हैं, पुराने वो बड़े वाले जो टीवी होते थे वो पड़े हुए हैं उसके अंदर, और कुछ भी नया नहीं है, एलईडीज नहीं है, कुछ भी नया नहीं है कि जिससे आप बच्चे से वो, तो हमने उससे कहा कि ये आप कैसे करें? कहते जी बच्चा एक इसमें आया हुआ, एनरोल ही नहीं हुआ बच्चा। भाई क्यों नहीं हुआ? कि वो वर्कशॉप ही नहीं है, वर्कशॉप ही नहीं, बच्चे देखते हैं वर्कशॉप ही नहीं इसलिए वो नहीं आए, तो आपकी ट्रेनिंग नहीं हुई कभी? कहते जी अब मेरी ट्रेनिंग करके उन्होंने क्या कर लेना, पहले तो इस लैब को ठीक करें उसके बाद ही करेंगे। तो मोस्ट ऑफ द जो हमारा वोकेशनल, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त टेक्निकल इदारे जो हैं वो 3,700 हैं, उसमें से 1,400 के करीब टेक्निकल हैं, बाकी सारे वोकेशनल हैं, और दोनों में, टेक्निकल में वोकेशनल में दोनों में हालात ये हैं कि जी लैब्स जो है ना उनके ऊपर फोकस करने की जरूरत है, गवर्नमेंट कर रही है उसके ऊपर फोकस, बहुत सारे लैब्स को अपग्रेड किया जा रहा है, नैपटेक की तरफ से बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें लैब्स को मेक करते हैं। तो कैपेसिटी बिल्डिंग वहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाती है जब आपके पास, क्योंकि वो तो सारा हैंड्स ऑन स्किल है, मशीनें नहीं है, लैब्स नहीं है आपके पास, तो आप टीचर को कैसे कैपेसिटी करेंगे? अच्छा, टीचर्स को आप फॉरन भेज देते हैं, वहाँ से वो ट्रेनिंग करके आते हैं, वहाँ पे चाइना में जाते हैं, चाइना में ट्रेनिंग करके आ रहे हैं, वहाँ पे बिग मशीन है, वहाँ पे ऑटोमेटेड मशीन है, वहाँ पे डिजिटाइज मशीन है, वहाँ पे पाकिस्तान में आते हैं, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं, यहाँ पर तो वो हैंडल वाले सिचुएशन भी नहीं है। अच्छा, फिर यही बच्चे जब आपके आप प्रोड्यूस करते हैं, आपकी प्रोडक्शन है जो आपकी बाहर आ रही है, अब मैं जो स्टूडेंट्स पढ़ा रही हूँ मेरी प्रोडक्शन है बाहर जा रही है, इसी तरह से जो स्किल बच्चे लेके आ रहे हैं वो प्रोडक्शन है जो मार्केट में भेज रहे हैं, लेकिन हम जो प्रोडक्शन भेज रहे हैं वो 80 की मशीनों के ऊपर तैयार करके भेज रहे हैं। और जब मैंने उनसे ये कहा कि जी प्रिंसिपल को कि आप अपने बच्चों को भेजें इंडस्ट्रीज में भेजें ट्रेनिंग के लिए, कि बच्चे वहाँ पर कुछ ट्रेन करके लेके आए, कहते हैं वो इंडस्ट्रियलिस्ट कभी हम बुलाएं ना उनको, तो वहाँ पर आके हम पे हंसते हैं कि जी 80 की मशीनें रखी हुई हैं, आपका जो बच्चा यहाँ से तैयार होगा वो हमारे किसी इंडस्ट्री में काम करने के काबिल नहीं है, पोजिशन में नहीं है। तो इस पर फोकस करने की बेइंतहा ज़रूरत है कि लैब्स जो हैं वो तैयार होनी चाहिए, उसके बाद कैपेसिटी बिल्डिंग जो है उसके अकॉर्डिंगली कैपेसिटी बिल्डिंग होती है और वो होनी है, उसके बगैर आप कर नहीं सकते। लैब्स तैयार करें क्या स्टेट की जिम्मेदारी है, या हम कलेक्टिव एफर्ट के जरिए कुछ ना कुछ जो है इन्वॉल्वमेंट शो कर सकते हैं? कलेक्टिव एफर्ट्स में फिलेंथ्रोपिस्ट जो हैं वो बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सपोर्ट करती हैं, एम्बेसीज बहुत सारी हैं वो सपोर्ट करती हैं, प्रोजेक्ट्स हमारे पास टिवेट के ऊपर चल रहे हैं जो कि सपोर्ट करते हैं, और लैब्स हमारी सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेस बन रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, जो कि नैपटेक के अंदर जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके साथ बन रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का भी है और लोगों का भी है और इंडस्ट्रियलिस्ट का भी है जिसको सपोर्ट करना चाहिए। अब एक GCT एक बहुत बड़ा कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी बहावलपुर, अब मैंने उनके प्रिंसिपल से कहा कि आपने कभी इन बच्चों को लेके गए किसी इंडस्ट्री में, कहते हैं मैडम आप इंडस्ट्री की बात करती हैं, वो मेरे लेटर का जवाब ही नहीं देते, प्रिंसिपल साहब का लेटर का जवाब नहीं देते इंडस्ट्रियलिस्ट, यानी वो दरवाजे से अंदर नहीं देते हमें, आप तो मशीनों की तो बड़ी दूर की बात है, वो कहते हैं हमारी मशीनें खराब हो जाएंगी तो हम नहीं कर सकते। सो दिस इज द रोल ऑफ द सोसाइटी एज वेल, दिस इज द रोल ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट एज वेल। ये बच्चे कहां जाएंगे? ये बच्चे आपके बच्चे हैं ना, आप इनको ट्रेनिंग दें। वही बच्चे जब आपके पास इंटरव्यू के लिए आते हैं आप उनसे एक्सपीरियंस डिमांड करते हैं, जिन बच्चों ने कभी इंडस्ट्री की शक्ल नहीं देखी वो कैसे इंटरव्यू में अपीयर हो सकते हैं? अब साहब से मैं जानना चाहूंगी इस हवाले से, ये जो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा डिलेमा हम देखते हैं कि बच्चा इंटरव्यू में अपीयर होना तो चाहता है लेकिन उसको नहीं पता कि उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो मैच कर रहा है उस जॉब नेचर के साथ या नहीं, क्या वो उस डोमेन में एक्सेल कर पाएगा या नहीं, बहुत सारे ऐसे सवाल जिसका जवाब हमारा बच्चा नहीं जानता, लेकिन कहीं ना कहीं वो इनसिक्योरिटीज, वो अनएम्प्लॉयमेंट का बर्डन और एक ऐसा प्रेशर के वालदैन ने मुझ पर इन्वेस्ट किया मैंने उनको पे बैक करना है, उसके चक्कर में वो बच्चा ये सोचते समझते बगैर ये चला जाता है कि ठीक है मैं इंटरव्यू में अपेयर तो होता हूँ, देख लेंगे जॉब मिल गई बहुत अच्छा होगा, नहीं मिली तो कहीं और अपेयर हो जाएंगे। असल में हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है इसके की बुनियादी बेस यही है कि एक आदमी अपनी मुआश के हवाले से चीज़ें डेवलप करे। सही। तो अगर आदमी का प्रोफेशन और उसकी डिज़ायर में बहुत बड़ा गैप होगा ना
तो फिर वो इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से नहीं कर पाएगा। अब जो बच्चे जो लोग तैयारी उन्होंने की होती है अपने ख़ास एक अंदाज में और सलाहियत उनकी मुख्तलिफ होती है और लर्निंग उन्होंने कुछ और की होती है तो वो उनके अंदर गैप रहता है और ये गैप रहता है। हाँ, अब यह कि एक आदमी ने एक फील्ड में आ गया है, टाइम गुजर गया है, अब वो इतनी जल्दी शिफ्ट भी नहीं कर सकता तो फिर यह है कि उसको उसके उसकी उसने अपनी डिमांड बढ़ानी है कि भाई अब मैंने ये करना है, अभी मैंने अपनी किश्तियाँ जला के ही करना है। तो जब वो किश्तियाँ जलाने का नहीं सोचेगा, इस अंदाज से नहीं सोचेगा, तो यकीनन जहाँ भी वो जाएगा उसे कामयाबी नहीं होगी, क्योंकि जो सामने वाले हैं वो जानते हैं कि हम ऐसा वर्कर रखें जो जिसका ना तो मूड हो ना वो उसका स्किलफुल हो, तो फिर ये हमें हमारे अदारे को फ़ायदा नहीं दे पाएगा। तो हर फर्द हर अदारा यही चाहता है कि हम अपना ऐसा एम्प्लॉय रखें जो हमारे पास आए तो हमें कुछ प्रॉफिट दे, हमें कुछ अर्निंग करके दे, ना कि जिससे ना हमारे ऊपर लाइबिलिटी बन जाए। सही। तो ट्रेनिंग यकीनन जुसिया एक फ़र्द को बहुत इन्हेंस करती हैं। तो इंसान तो सीखने वाला जानवर है, इवन हैवानात की भी अगर ट्रेनिंग कर दें तो वो उनकी जो स्किल्स भी हैं वो भी नफा बख्शी में नफा बख्श हो जाती हैं। तो हमने नेवटेक के थ्रू ना ओवरसीज़ पाकिस्तानी 154 बच्चों की हमने ट्रेनिंग करवाई थी, इस वजह से करवाई थी लाइफ स्किल्स की, कि उन्होंने कहा कि 257 बच्चे वापस भेज दिए हैं कोरिया ने कि ये यहाँ पे हमें मुतासर करते हैं। तो उन बच्चों की जब हमने उन दो बैजेस की ट्रेनिंग करवाई, एक में कुछ 70 के करीब बच्चे थे, एक में 80 के करीब बच्चे थे, तो उनकी जब हमने ट्रेनिंग करवाई तो अल्हम्दुलिल्लाह उन बच्चों ने लाइफ स्किल्स की ट्रेनिंग करवाई तो वहाँ पर जाके बेस्ट वर्कर अवार्ड्स भी जीते हैं। तो बुनियादी तौर पर ट्रेनिंग तो इंसान को बहुत इन्हेंस करती है और नफा बख्श बना देती है, अपने आप को जो है जानने और का उसमें एबिलिटी पैदा हो जाती है और वो अपने आप को कामयाब महसूस करना शुरू हो जाता है। यकीनन, लेकिन ये सेंस कैसे डेवलप की जाए कि ट्रेनिंग उसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि वो तो अपने आप को कहीं ना कहीं परफेक्ट तसव्वुर कर रहा है जब वो यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर बाहर आ रहा है। हाँ, यही तो असल में ख़राबी की वजह होती है कि इंसान के अंदर एक एरोगेंस होती है और वो एरोगेंस इंसान को कहती है मुझे तो सब पता है। हाँ, वो ये जो सब पता का जो मिजाज है ना, या जो ये रवैया है, ये इंसान को सीखने नहीं देता। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात है आपने की, इसी को मैं आगे लेकर जाना चाहूँगी। राफ़ी साहब, हम ये देखते हैं कि आज का नौजवान जिसको हमने 15-16 साल पढ़ाया, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट भी किया, अगर पेरेंट्स की सोच देखी जाए, वो चाहते हैं हमारा बच्चा सिक्योर हो, कामयाब हो, क्योंकि हम इसके ऊपर इतना इन्वेस्ट भी करें, इतना टाइम भी दे रहे हैं और हमने जो मुश्किल झेली हैं हमारा बच्चा इनसे मुबर्रा हो। यही सोच बच्चे के अंदर इनकलकेट हो जाती है कि मैं तो डिग्री होल्डर जैसे ही होऊंगा उसी दिन मुझे एक ऐसी जॉब मिलेगी कि मैं बहुत ज़्यादा कामयाब तसव्वुर किया जाऊंगा, हर तरफ मेरी एक्सेप्टेंस होगी, मेरी वाह-वाह होगी। उसे नहीं पता कि वो जिस इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहा है उसमें अपीयर कैसे होना है, उसमें उसने अपना नाम कैसे प्रोनाउंस करना है, उसने अपनी तमाम तर स्किल्स को किस तरह से पोर्ट्रे करना है, या फिर अपने ख्यालात का इजहार करना भी हमारे बच्चों को नहीं आता। इसके लिए आप नहीं समझते कि इंस्टीट्यूट्स को जो है एक्टिव होना चाहिए और वहाँ पर ट्रेनिंग होनी चाहिए? ट्रेनिंग की इम्पोर्टेंस की जो बात आप कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, एक बहुत अच्छा इंसेंटिव दिया गया था कि ना इंडस्ट्रीज लिंकेज डेवलपमेंट डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी में बनाए गए थे। जी जी। अब ये जो मैडम बता रही थी चैलेंज है, हम अपने बच्चों को इंडस्ट्री विजिट नहीं भेजना चाहते हैं तो इंडस्ट्री हमें वेलकम नहीं करती। वजह यह है कि इंडस्ट्री का एक CSR का डिपार्टमेंट होता था, उसको वो इंटरटेन नहीं कर रही, और दूसरा वो एक माशरे में कंट्रीब्यूट करने या कोई देने के लिए। अब हमें अच्छी तरह याद है, हम अपने स्कूल लाइफ में मुख्तलिफ विजिट्स पे जाते थे, कभी जू भेज दिया जाता था, कभी हमें कोई कॉटन फैक्ट्री भेज दिया था, वहाँ जाके बच्चों के रुझानात का पता चलता था। वो चीज़ें ये चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई। अब बाकायदा वो वोकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन जब वो इंडस्ट्री में जाते हैं उनको एक्सपोजर ही नहीं मिल रहा है। ये चैलेंज है। इसमें मैं समझता हूँ इंस्टीट्यूट की भी जिम्मेदारी वीकनेस है और जिस इदारे में वो भेजा। अब अगर मैं यूनिवर्सिटी को चूज़ कर रहा हूँ बीइंग पेरेंट, तो मैं उस यूनिवर्सिटी को देखूँ ना कि वो आफ्टर 4 या 5 ईयर्स बच्चे को जो कैरियर चूज़ किया है, देन इंडस्ट्रीज में वो किन किन जगहों पे प्लेस हो सकता है। सही।
हम क्लोज विंडो से चलते हैं, सिर्फ डॉक्टर बनेंगे, हम एक लहजे को नहीं सोचते इन केस थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में अगर पीछे हट जाता है तो डॉक्टर के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं है, फार्मेसिस्ट बन सकता है या साइंटिस्ट साइड पे जा सकता है, रिसर्च साइड पे जा सकता है। ये तो आपने बहुत आगे की बात की, हम तो ये भी ऑप्शन नहीं रखते, एफएससी में मेरिट पे आए तो फिर क्या करेंगे, नया आ सकता है तो फिर क्या करना है। तो मैं वो जो ट्रेनिंग के बारे से बात कर रहा था, एक तो ये इंडस्ट्री लिंकेज वाली चीज में यूनिवर्सिटीज का डिपार्टमेंट वीक है और नॉर्मली राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब जो एक सिनोनियम मशहूर है, बिल्कुल इम्पॉसिबल है, लेकिन हम थोड़ी सी भी कोशिश नहीं करते। हम इंडस्ट्री लिंकेज में उस बंदे को भेज देते हैं जिसके इंडस्ट्री में दो तीन ताल्लुकात हों, या सर कितना किसी का बिजनेस यार किसी करवा दो ना, उसकी ओनरशिप लेते हैं, उसकी इम्पैक्ट एनालिसिस नहीं करते। अगर हम 20 बच्चों को आपसे ट्रेनिंग करवा रहे हैं उसकी इम्पैक्ट स्टडी करवाए ना, मैंने राफे साहब को या मैडम को बुलाया था 10-20 हज़ार रुपए दिए इनको तो इसका क्या रिजल्ट निकला, या जस्ट फॉर द सेक एक कागजी कार्रवाई थी, ये चीज वीक करती है। और जहां तक ट्रेनिंग की बात है ना, ट्रेनर्स टीचर्स बच्चों को सॉफ्ट स्किल, अगेन मेरा डोमेन है, सॉफ्ट स्किल बच्चों को नहीं आती। मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल दूं, नेफ्ट एक्ट के कुछ बच्चे नहीं जो होते हैं ना मिस्त्री, ये तकरीबन 8 या 10 डॉलर दरहम पे इनकी हो जाती थी। हमने कहा यार ये बच्चे लोग जाते हैं वहां पर और 10 साल वहीं के मिस्त्री रहते हैं, अगर उनमें थोड़ी सी कम्युनिकेशन स्किल की टच दे दी जाए, ड्रेसिंग सेंस दे दिया जाए, किस तरह बात करना है, किस तरह चीज करना है, तो खुद ब खुद उनकी वैल्यू एड होके वो प्रमोशन साइड पे चले जाते हैं। तो हम इस साइड पे ट्रेनिंग की मैं इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। तो सॉफ्ट स्किल, अब स्टूडेंट का पता है मैंने मास्टर किया तो मुझे जॉब मिल जाएगी, वो 25 हज़ार रुपये तैयार ही नहीं होता। वजह यह है उसको मालूम नहीं कि मैं स्टैंड क्या करता हूँ सोसाइटी में या मार्केट में। तो इसके दो तरीके होते हैं, या तो उसको पानी में डाल दिया जाए खुद ही स्विमिंग सीख जाएगा, या उसको थोड़ी सी स्विमिंग की ट्रेनिंग ट्रिप दे दी और फिर पानी में उतारा जाए। तो इसमें बीइंग मेंटोर बीइंग ट्रेनर हम बच्चों को लास्ट सेशन में या 8th सेमेस्टर में उनको सॉफ्ट स्किल वाले भी करवाएं, कम्युनिकेशन स्किल की, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे होती है, जॉब कैसे हंट की जाती है, इंटरव्यू में अपीयर कैसे हो जाता है, उसके बाद हमने क्या करना है, इंटर्नशिप बेसिस पे हमने किस तरह से आने, हमारे बच्चे इंटर्न भी नहीं बनना चाहते, ये भी बहुत बड़ा सोच का हमारे यहाँ फुकदान है। इसको कंटिन्यू करेंगे, आप इसे डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि अब्दुल रफी साहब हमें क्या गाइड करेंगे। ब्रेक के जाने नाज़िर, हमें बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते कंटिन्यू करते हैं। तालीमी इदारों में तालीम के साथ साथ प्रोफेशनल ट्रेनिंग देना भी बहुत ज़रूरी है, इस पर हम बात करते हैं ब्रेक पे जाने से पहले। हमारे साथ जो स्टूडेंट्स में मेहमान मौजूद हैं, अब्दुल रफ़ी अथर साहब हैं, शगुफ्ता नास हैं और अब्दुल अजीज़ साहब हैं, जिनसे हम इन दोनों तीनों टॉपिक्स के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं कि हम किस तरह से ट्रेन कर सकते हैं अपने टीचर्स को, बच्चों को ट्रेन करना कितना ज़रूरी है। और जहां काउंसलिंग की बात करते हैं, प्रोफेशनल ट्रेनिंग देने की बात करते हैं, तो ऐसे में हमारे जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, तालीमी इदारे हैं, उन्होंने कितना एक्टिव होना है, कितनी एफर्ट करनी है, किस तरह से बच्चों को गाइडलाइन प्रोवाइड करनी है, इस पर ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं। राफी साहब से आपसे ही गुजारिश करेंगे, आप अपनी बात को कंटिन्यू। अच्छा, इसमें मैं पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ, अभी हम ये सियासी ना हो जाए कामयाब ज्वाइन वाला एक प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा इंसेंटिव है उस्मान साहब का, डॉक्टर पीएम का। अब उसके पीछे उनका ये था कि हमारी जो यूथ है वो स्किलफुल नहीं है, तो उनको कोई स्किल कुछ मुख्तलिफ ट्रेड दी गई यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट को दी गई, और उसके साथ कंडीशन कर दिया गया कि इनकी प्लेसमेंट भी है और इंटर्नशिप भी है। अब इंटर्नशिप ने डेफिनेटली हमने बाकायदा प्लेसमेंट मार्केटिंग की फैशन लगाया, उनको मुख्तलिफ इंडस्ट्री में प्लेस किया, तो बहुत ही खराब फीडबैक, वो तैयारी नहीं है सर, हम इस वक्त नहीं आ सकते हैं, सर हम उस वक्त आएंगे। अच्छा, उनमें से कुछ को हमने जॉब के लिए भेजा है, तो वहां पर भी उनका एटीट्यूड यही है, सर 9 बजे तो मैं नहीं आ सकता, 10 बजे में आ जाओ, यार तुम्हारी जॉब है ये, बिल्कुल। अच्छा सर मैं आ तो रहा हूँ, मुझे पैसे कितने देंगे, ये सर ये तो कम दे रहे हैं आप। मैं जो आपको बात बताना चाह रहा हूँ, जो इसमें मैडम ने भी इसकी तरफ निशानदेही की, कि हमारी जो यूथ है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो प्रोडक्ट्स आ रही है, वो स्किलफुल भी नहीं है, एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा, और वो नहीं समझते कि जब इंडस्ट्री में जाते हैं और एक बैच लेट हो जाए तो वर्कलोड कितना हो जाएगा, ऐसे ही। और इंडस्ट्री में अनएम्प्लॉयमेंट वाला और एम्प्लॉयमेंट वाला वो एक अलग ही डिबेट है, और इस कोरोना ने उसको डबल कर दिया है, ऐसे ही। इसका डबल इंपैक्ट क्या है, कोरोना की वजह से वो जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत कॉम्प्रोमाइज हुई है, ठीक है ना, वो प्रोडक्ट नहीं निकल रही,
सॉरी से मुझे लगता है ये बैचेस का डिफरेंस आएगा, ये कोरोना ग्रेजुएट्स हैं या नॉन कोरोना ग्रेजुएट्स हैं? बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है ना। तो हम इंटेक करते हुए नॉन कोरोना को ज्यादा माइक्रो आई से देखेंगे, तो ये उनके लिए चैलेंज बढ़ गया, तो उनको ज्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी कम्पीट करने के लिए, ये रियलाइज नहीं कर रहे। और दूसरे ना, वो अपनी जो सीनियर को कोई बात बता रहा होता है उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते, वजह यह है कि वो समझते हैं उससे ज्यादा नॉलेज तो मेरे पास बिल्कुल है। दूसरा वही एप्टीट्यूड, ये टीचर पढ़ाता तो हमारी सैलरी से, तो हम फीस देते हैं तो उससे ये पढ़ता है, तो जो टीचर का रोल था ना, वो टीचर का रिस्पेक्ट था, वो टीचर ने भी थोड़ी सी गंवा दी है, अब पेरेंट्स बच्चों की नजर भी निकल गई है, ये सब अवाम में मिलके वो बच्चे को जो हम क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं वो लैक कर रही है। बिल्कुल ऐसी, अब उसमें ये सारे अवामिल जिस तरह अजा कॉम्पैक्ट कर लिए जाएंगे तो प्रोडक्शन सही हो जाएगी। इसमें जिस जिसका हिस्सा बनता है वो करना चाहिए। ट्रेनिंग, सिर्फ ट्रेनिंग से कोई चीज नहीं आनी, आप ट्रेनिंग में लर्निंग एप्टीट्यूड, लर्निंग रिसेप्टिव थॉट के साथ बैठे कि मैंने कुछ गेन करना है तो आप सीख जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। अगर आप रिसेप्टिव मोड में ही नहीं है, या मैं ट्रेनर हूँ लेकिन मैं आपकी साइकी को, बॉडी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा हूँ, मैंने 25 स्लाइड बनाई, 25 की 25 आपको देखे जानी है, तो भाई उसका तो गार्बेज इन गार्बेज आउट वाला है ना। डेफिनेटली यहाँ पर मैं नॉर्मली अपने स्टूडेंट्स से भी कहता हूँ, अपने कुलीग भी कहता हूँ, आप किसी तरह अपने 7 बच्चों में स्टूडेंट्स में क्वालिटी प्रोड्यूस कर दें तो किसी भी जगह बैठा हुआ क्वालिटी ही प्रोड्यूस करेगा। बिल्कुल ऐसे, जिस तरह वो गीगो टर्मिनोलॉजी है आईटी के, गार्बेज इन गार्बेज आउट, क्वालिटी इन क्वालिटी आउट, तो आप बच्चे की शख्सियत साधी फिर साइड पे आ जाता है। और अगर हम इसको लिंक कर अपने चरियत से उससे, तो आहदुसलम की जात मुकद्दस ने सबसे बड़ा काम यही किया था, शख्सियत साधी की थी, शख्स बना दिए थे, फिर वो गिनती के 10, 13, 313, 1000 हमने अगर बच्चे को अच्छे जगह पे एडमिशन दिलवा दिया, अच्छे इंस्टीट्यूट का हिस्सा बना दिया, अब वही बच्चे की इखलाकी तरबियत करेंगे, वही बच्चे की पर्सनालिटी डेवलपमेंट करेंगे, वही बच्चे की कैरेक्टर बिल्डिंग करेंगे, हमारा काम खत्म हो गया। जबकि टीचर्स की जानिब से कहा जाता है कि ये जो करिकुलम हमें दिया गया है, जो सिलेबस हमें दिया गया है, हमने तो इसको पूरा कराना है, हमने कॉपी पेस्ट करवाना है, एग्जाम्स लेने, एंड दैट्स इट, बच्चे को प्रमोट कर देना है। इखलाकी इकदार कौन सिखाएगा, इखलाकियात पर कौन जोर देगा, इखलाकी तरबियत किसने करनी है, ये तो बच्चा सफल होकर रह गया कि वो इस तरफ भी देख रहा है हाथ खाली है, उस तरफ भी देख रहा है हाथ खाली है। बिल्कुल ऐसे ही है। बच्चे जो बात हो रही थी कि बच्चे जो हैं वो ये समझते हैं कि हमें किसी चीज़ की जरूरत नहीं है और वी आर परफेक्ट, तो वो एक छोटा सा एक जोक है, ऑन द लाइटर साइड पे मैं बात करना चाहूँगी कि प्लेन में अनाउंसमेंट हो रहा था कि ऑल द पैसेंजर्स आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली फैस्टन योर सीट बेल्ट बिकॉज प्लेन इज गोइंग टू टेक ऑफ। तो तमाम मुसाफिरों ने सीट बेल्ट बांध लिया, लेकिन एक मुसाफिर ने सीट बेल्ट नहीं बांधा, तो एयर होस्टेस उसके पास गई और कहा कि सर काइंडली फैस्टन योर सीट बेल्ट। तो मुसाफिर ने कहा आई एम द सुपरमैन, आई डोंट नीड सीट बेल्ट। तो एयर होस्टेस ने मुस्करा के जवाब दिया सर सुपरमैन डजंट नीड प्लेन ईदर, सुपरमैन को जहाज़ की भी ज़रूरत नहीं होती। तो हम सारे जो बच्चे जो हमारे स्किल के हवाले से, प्रोफेशन के हवाले से हम बात कर रहे थे कि वो समझते हैं कि हम सी सुपर हो गए हैं, हमें अब किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं, ट्रेनिंग है, तो हमने लेनी, ट्रेनिंग तो लेनी नहीं है, हम करेंगे नहीं, कोई कुछ भी नहीं करेंगे, कम सैलरी पर हमने हायर नहीं होना। लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ा जो स्टिग्मा है वोकेशनल एजुकेशन एंड टेक्निकल ट्रेनिंग के साथ, वो ये है कि हमारे, आपको मैंने बताया कि 1% एनरोलमेंट है, तो एक बहुत लम्हा फिक्रिया है कि जी 1% पीपल ने प्रेफर, दैट मीन्स कि ये उनकी फर्स्ट चॉइस नहीं थी, ये कहीं से ठुकरा के इधर आए हैं, ये इनकी सेकंड चॉइस भी नहीं थी, ये इनकी थर्ड चॉइस है जिसपे ये आए हुए हैं। कोई भी माशरे के अंदर अपने बच्चे को मेसन नहीं बनाना चाहता, कोई भी अपने बच्चे को इलेक्ट्रिशियन नहीं बनाना चाहता, कोई भी, जबकि फॉरेन कंट्री में अगर आप चले जाते हैं, यहाँ से एक बंदा जो है यहाँ से एमफिल करके गया है पत्नी केमिस्ट्री में या किसी चीज़ में, वहाँ जाके अमेरिका में जाके उसने अंडर सी जो है उसने डेवलपमेंट वेल्डिंग का जो है वो कोर्स किया है और अब वो मिलियंस वहाँ कमा रहा है। और फिर प्रॉपर सर्टिफाइड होना, ये शायद बेसिक वजह है कि आज का बच्चे का रुझान इस तरफ नहीं। सर्टिफिकेशन भी हो रही है उनकी, सर्टिफिकेशन उनको मिल रही है, एक भी उनको मिल रहा है, लेकिन ये कि माशरे के अंदर भी एक्सेप्टेंस नहीं है। आप देखिए ना, पेरेंट्स नहीं प्रेफर करते। आप वाली बात जैसे आप शुरू में कह रही थी कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ठीक है, और प्रोफेसर बन जाए, ठीक है, वो भी थर्ड चॉइस आ जाती है, लेकिन आपने ये वाली जो वोकेशनल साइड है इस पर नहीं आना। अभी शेफ के ऊपर जो लोगों का स्ट्रेस आ गया ज्यादा, वो भी इस वजह से है कि हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में जो है शेफ्स को इतना प्रोमिनेंट कर दिया है कि बच्चे अब उसकी तरफ आ रहे हैं कि जी वो बन जाते हैं, स्किल की तरफ आ रहे हैं, लेकिन स्किल की तरफ हमारी इंक्लाइनेशन जो है नहीं है, ये एक स्टिग्मा है टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन। जबकि मैं समझती हूँ
आप एफ़ए और बीए करने के बाद फारिग फिरते रहेंगे, लेकिन अगर आप वही टेक्निकल डीए डिप्लोमा इन एसोसिएट इंजीनियर कर लेते हैं तो आप 3 साल के बाद कोई बच्चा आपको बाहर मार्केट में नजर नहीं आएगा, फारिग नहीं फिरेगा, वो कहीं ना कहीं स्ट्रक हुआ वो होगा। इसी तरह से मैंने अपनी फैमिली में जब बच्चों ने एफएससी कर लिया तो मैंने कहा जस्ट नॉट गो फॉर बीएससी, जस्ट गो फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल डीए, देन बीटेक करो, एमटेक करो, टेक्नोलॉजिस्ट बन जाओ। ये साइड तुम लोग क्यों नहीं इसको टेक कर रहे हैं ना, तो इसके ऊपर फोकस करने के स्किल के हवाले से हमारा एक स्टिग्मा है, वो हम उसको करते हैं कि जी हमने नहीं करना, हम ये हमारे लिए मसला हो जाता है। कैसे चेंज किया जाए इस माइंड सेट को, चेंज करने के लिए वो यही है कि जी जो टेक्निकल बॉडीज हैं लाइक नैपटेक है, उसमें भी हमने बहुत सारा काम किया है, टेफ्टाज हैं प्रोविंशियल लेवल के ऊपर जो हैं, क्योंकि अब एजुकेशन जो है वो ट्रांसफर हो चुकी है, स्किल ट्रांसफर हो चुके हैं, प्रोफेशंस जो हैं ट्रांसफर हो चुके हैं आफ्टर 18th अमेंडमेंट, लेकिन इवन देन हमारा जो आर्टिकल 25A है उसकी वजह से हमारी जो मिनिस्ट्री इस वक्त स्टैंड कर रही है कि ऑल द फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फ्रॉम द एज ऑफ 5 to 16 ईयर्स इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट इन सच मैनर दैट अलाउड बाय द लॉ, तो वो हमने करना है और हम उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है कि वो इसके ऊपर फोकस करें और बच्चों को फिर स्किल दे, इंडस्ट्रीज को भी साथ अटैच करे ताकि लोगों बच्चों को भी पता चले नहीं कि हम इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं। जैसे सर कह रहे हैं कि इंडस्ट्री वाले जो हैं वो बच्चे वहां जाते हैं, बच्चे कहते हैं कि जी हमने तो 20,000 नहीं लेना, लेकिन बच्चों को मोटिवेशन देना स्टूडेंट टीचर का काम है जब वो क्लास में पढ़ा रहे होते हैं। आप लाइफ स्किल की बात हो रही थी, लाइफ स्किल के हवाले से नैपटेक के जितने भी कोर्सेज हैं सर को पता है कि इन्होंने इनके इदारे ने करवाए हैं, उसमें भी लाइफ स्किल हम एक मंथ पूरा लाइफ स्किल के ऊपर हमारा होता है कि जी कम्युनिकेशन स्किल है, इंग्लिश स्पीकिंग है, हाउ टू प्रेजेंट यूर सेल्फ, हाउ टू ड्रेस अप, तो ये सारी चीज़ें लाइफ स्किल्स में आ जाती हैं जो हम बच्चों को सिखाते हैं। इसी तरह से पंजाब में भी पंजाब काउंसिल है जो जिसके बहुत सारे इदारे हैं, VTIs हैं जिनमें उनका बाकायदा सिलेबस है जिसमें वो लाइफ स्किल्स जो हैं वो सिखाए जाते हैं। सिमिलरली जनरल एजुकेशन के अंदर स्ट्रीम में आ जाती हूं तो वहां पर भी लाइफ स्किल के हवाले से हम बीइंग फीमेल टीचर्स, हमारी बच्चियां जो हम पढ़ा रहे होते हैं, हमारी बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जो मॉरल लेसंस दे रही होती हैं, इस्लामियात की हैं, अरबी की हैं, मुख्तलिफ डायरेक्शंस देते हैं, बेटे इस तरह नहीं करें, इस तरह करें, बेटा 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 कर करके ना उनको बहुत सारे समझाते हैं, लेकिन समटाइम ऐसा भी होता है कि किसी ऐसे बड़े बंदे को भी हम बेटा कह रहे होते हैं। यानी आपको मेरे कहने का मतलब यह कि वी आर सो कॉन्शियस अबाउट दिस कि इनकी ग्रूमिंग होनी ज़रूरी है, लेकिन बच्चों को घर में जो 8-9 घंटे जब वो गुजार के आएंगे, जो वो अपने मोबाइल पे लगे रहेंगे, वो मुख्तलिफ चीज़ें वॉच करते हैं, उनके ब्रेन स्ट्रे हो जाता है। जब आपका आप खुद भी देखें, अगर हम एडल्ट हैं, हम अगर एक मूवी देख के उठते हैं 3 घंटे के लिए और हमारे ब्रेन की हालत डिफरेंट होती है, और अगर हम एक किताब पढ़ के उठते हैं हमारे ब्रेन की हालत डिफरेंट होती है। तो वो तो बच्चे हैं, उसका तो बिल्कुल अभी इमेच्योर ब्रेन है, तो आप उसको जब इतना टाइम स्क्रीन के ऊपर रखेंगे तो उसके रिजल्ट्स फिर आपको उसका ब्रेन फोकस नहीं होगा, उसका ब्रेन स्ट्रे होगा, उसका ब्रेन मुंतशिर हुआ होगा, वो कुछ भी नहीं कर सकेगा। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि हम प्रॉब्लम्स को जो है आइडेंटिफाई करें और फिर उनके सोल्यूशन की जानिब भी डेफिनेटली जाएंगे। अब्दुल अजीज साहब, एक और हमारे माशरे का अलमिया ये है कि हम जितनी प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं हमें ये मालूम नहीं कि उनकी खपत होगी भी या नहीं। क्या हमारे जितने भी ऐसे जॉब के सेक्टर्स हैं, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स हैं, वो सजेस्ट कर रहे हैं कि हमें इतने डॉक्टर्स चाहिए, इतने हमें इंजीनियर्स चाहिए, इतनी प्रोडक्ट अगर आप MBAs की तैयार करें तो उनकी खपत पहले से मौजूद है, उनकी स्पेस मौजूद है। हम तो अंधाधुंध लगे हुए हैं, हमारे बच्चे डिग्री होल्डर्स बन रहे हैं, फिर एक जो सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट नज़र आती है, डिस्करेजमेंट नज़र आती है कि बच्चे के पास वो डिग्री तो मौजूद है लेकिन उसके पास जॉब नहीं है, आगे उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, वैकेंसीज नहीं है। ये जो एक इस्तराब की कैफियत नज़र आ रही है हमें सोसाइटी में, इसका क्या हल है आपकी नज़र में? इसके पीछे 2-3 चीज़ें हैं कि इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि इसके ऊपर ज़्यादा काम नहीं हुआ कि किस फील्ड में कितनी डिमांड है, किस मेसन्स की कितनी ज़रूरत है, हमें प्लम्बर्स की कितनी ज़रूरत है, इलेक्ट्रिशियंस की कितनी ज़रूरत है, इसके ऊपर तो कभी काम नहीं हुआ, बहुत सी ऐसी चीज़ों पे काम नहीं होगा, तो इस पे काम करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई जो सी है वो बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है बिज़नेस के अंदर भी और इवन माशरती ज़िंदगी में भी। अगर डिमांड एंड सप्लाई यानी पीछे सप्लाई ज़्यादा हो आगे डिमांड कम हो तो फिर भी बहुत ज़्यादा खराबी पैदा हो जाती है। उसमें चंद लोग जिनके अंदर वाकईतन सलाहियत होती है, वो अपनी फील्ड के मास्टर होते हैं, वो तो अपनी बहुत अच्छी स्पेस बना लेते हैं, बहुत अच्छी अर्निंग कर लेते हैं, लेकिन बहुत जो बड़ी लार्ज जो सी है वो अपनी रोज़ी रोटी का बंदोबस्त भी प्रॉपरली कर पाते नहीं कर पाते। तो उसमें ये है कि इसके ऊपर तो काम किया जाना चाहिए, और जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी उस फील्ड में आगे हुए हैं, उनको बहरहाल ये कहलवाने की जगह कि अगर आपके अंदर वाकईतन जेन्युइन सलाहियत होगी और आपके ने उसमें अपनी स्किल को इतना एक्यूरेट कर लिया होगा तो फिर आपको स्पेस मिल जाएगी, आप अपनी जगह बनाएंगे, बल्कि आप सिखाने वालों में भी आ जाएंगे। तो ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं इनके या जो वर्कर्स होते हैं, ज़्यादातर वर्कर्स अपने
फील्ड में जब काम कर रहे होते हैं तो वो बहुत कुछ उन्होंने लर्निंग कर ली होती है, वो कुछ कर लेते हैं, लेकिन इसके साथ जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो लाइफ स्किल्स होती हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ा आलमिया यह है कि हमारा वर्किंग बिहेवियर और वर्किंग एटीट्यूड नहीं डेवलप होता, बिल्कुल इसके ऊपर बहुत काम करने की ज़रूरत है और यही लाइफ स्किल्स के जरिए ही इसके अच्छा, ये तो ऑर्गेनाइजेशंस का काम है कि वो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पर गौर करें, वो देखें कि एक जो हमारा डिपार्टमेंटल सेक्टर है उसमें हमने किस तरह से जो है वो लोगों को हायर करना है, लोगों के अंदर जो है इंटरेक्ट कैसे करवाना है, या अगर कोई बॉस है, कोई अथॉरिटेटिव है, तो वो अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ कैसे डील करेगा, सबॉर्डिनेट्स कैसे रिस्पॉन्स करेंगे। इस तरह की कोई ट्रेनिंग हमें कहीं पर भी नज़र नहीं आती। आप नहीं समझते कि ऑर्गेनाइजेशंस के लिए मैंडेटरी कंडीशन होनी चाहिए कि वो हायर करते वक्त ही कोई ना कोई ऐसी डिग्री दे दें, कोई ना कोई ऐसी ट्रेनिंग दे दें, कोई ना कोई ऐसी काउंसलिंग सेशंस दे दें कि जिसके तहत एम्प्लॉयज जो हैं वो भी ट्रेनिंग हासिल कर सकें। देखिए, कुछ साल पहले ना हमने लाइफ स्किल्स के हवाले से भी एक ट्रेनिंग का मैनुअल बनवाया था जिसमें तामीर हयात, उसको जब नेफ्टे के डायरेक्टर हैं रीजनल डायरेक्टर नदीम भट्ट साहब थे, वो उन्होंने जब उसको देखा तो उन्होंने कहा तो ये बहुत अच्छा अजीज साहब, अगर आप मुझे कहें तो मैं इसकी ट्रांसलेशन करूं। तो वो इत्तेफाक से है कि जब उनसे डिस्कशन हुई तो मैंने उनका इसमें जो डेफिशिएंसीज हैं उसको भी आपने कवर अप करना है, तो फिर उन्होंने हमें एक पूरा एक मैनुअल लाइफ स्किल्स का एक मैनुअल तैयार कर दिया था, टेकिंग केयर ऑफ योर पर्सनैलिटी, ये एक मैनुअल ये नदीम भट्ट साहब जो डायरेक्टर थे उन्होंने तैयार किया सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर, लाइफ स्किल्स के ऊपर। तो हमारा अलमिया, मैंने जैसे पहले भी कहा है कि हमारा जो अलमिया है हमारे वर्कर का, हमारी पूरी कौम का ज्यादा, वो वर्किंग बिहेवियर, वर्किंग एटीट्यूड नहीं है, ये स्किल का इतना इशू नहीं है। हमारा आईक्यू लेवल हमारा इतना बुरा नहीं है, बहुत अच्छा आईक्यू है एज ए नेशन, लेकिन हमें इन चीज़ों पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह ये चीज़ें, इनके ऊपर जब एक फर्द पे काम हो जाता है वो अपने आप को निखार लेता है जल्दी से, और फिर वो कामयाब फर्द भी होता है, माशरे को देने वालों में भी हो जाता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात की। इसी पर मज़ीद भी सॉल्यूशंस और सजेशंस को डिस्कस करेंगे, अपने तमाम मेहमानों से गुफ्तगू करेंगे और उनसे जानेंगे कि हम फैसला साजी की सलाहियत को, फैसला साजी की कुव्वत को कैसे डेवलप कर सकते हैं, इसमें हमने अपनी तरजीहात को कैसे सामने लेकर आना है, क्या हमारी प्रायोरिटीज़ हैं, उनको कैसे सेट करना है, कितना इस पर फोकस करना है। इस पर मज़ीद भी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, एक ब्रेक की जाने पड़े, ब्रेक से वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक जी, सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहिए खुश आमदीद। आज के प्रोग्राम का ये लास्ट सेशन है जिसमें हमेशा की तरह हम बात करेंगे सॉल्यूशंस और सजेशंस पे, और जानेंगे कि फैसला साजी की कुव्वत और सलाहियत हम किस तरह से डेवलप कर सकते हैं, चाहे किसी प्रोफेशन के हवाले से फैसला करना हो, अपनी ज़िंदगी का फ्यूचर को जो है वो डिज़ाइन करना हो, कोई प्लानिंग करनी हो, किसी टारगेट को अचीव करने के लिए किसी डायरेक्शन का तयन करना हो, या फिर अपने लिए कुछ ऐसा सोचना जो कि इस सोसाइटी के लिए भी भलाई की जानिब ले जाए इस सोसाइटी को, और साथ ही साथ हमारे वालिदैन किस तरह से हमारी तरबियत को बेहतर बना सकते हैं, हमारे टीचर्स किस तरह से हमारे अंदर वो तमाम तर क्वालिटीज़, वो तमाम तर ट्रेट्स इंकल्केट कर सकते हैं कि जिसकी हमें ज़रूरत है, सोसाइटी इसमें क्या किरदार अदा कर सकती है, स्टेट का क्या रोल है, इस पर तमाम अपने मेहमानों से जानेंगे सॉल्यूशंस और सजेशंस, और उनसे गुजारिश करेंगे कि वो हमें बेहतरीन गाइडलाइन प्रोवाइड करें कि किस तरह से हम फैसला कर सकते हैं, हम माहिरीन की राय को कैसे जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं और उसको ले सकते हैं, कि कौन हमारे लिए एक्सपर्ट है, किस एक्सपर्ट का ओपिनियन हमारे लिए बेहतर होगा, किसको हमने मद्देनजर रखते हुए अपने लिए एक डायरेक्शन का इंतखाब करना है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें अब्दुल रफी साहब जो कि हमारे लिए कन्फ्यूजन का सबब बन जाती हैं, हम बेजा मशवरे भी नहीं ले सकते और हर किसी से मशवरा भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमारी नज़र में कोई एक्सपर्ट है, हम नहीं समझते कि उसका ओपिनियन हमारे लिए भी ठीक होगा, किसी दूसरे के लिए भी ठीक होगा, किसी तीसरे के लिए भी वही ओपिनियन जो है कारामद साबित होगा। हमें तो सिर्फ जो है वो फोकस करना है कि हम फैसला कैसे कर सकते हैं, फैसला साजी की कुव्वत को, सलाहियत को कैसे जो है वो इन्हेंस किया जा सकता है। देखें, फैसला साजी, डिसीजन मेकिंग एक बड़ी स्किल है, और बहुत से लोगों को सो कार्ड को डिसीजन मेकर कहते हैं लेकिन उनको डिसीजन लेना नहीं आता। सही। ये तो है हमारा अलमिया है, लेकिन डिसीजन मेकिंग आपकी एक स्किल है, और इसको मैं टैलेंट भी कह सकता हूँ, या आप इम्प्रूव भी कर सकते हो, एनहांस भी कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग अगर हम अपने बच्चों के हवाले से, अपने ग्रेजुएट्स के हवाले से बात करें, तो सबसे पहले उनको कॉन्फिडेंस देना होगा, एम्पावर करना होगा, इट्स योर लाइफ, सही, हम तुम्हें सिर्फ
हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, वो भी इसलिए करेंगे, हम तुमसे प्यार करते हैं, हम तुमसे बिलोंग करते हैं, हम तुम्हारा बुरा नहीं चाहते. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर उस बच्चे को या ग्रेजुएट को ये यकीन हो जाए कि जो सामने वाला है जो वो बात कर रहा है वो मेरे फायदे की कर रहा है, तो आधा काम तो आपका हो गया. और फिर उसके बाद उस बच्चे से हम या अपने उससे करते हैं कि तुम डिसीजन तुम्हारा होगा, डिसीजन मेरा नहीं है, मैं जिंदगी गुजार चुका हूँ, तुमने जिंदगी गुजारनी है, तो तुम्हारा रिस्क ज्यादा इन वाला है, मेरा रिस्क. तो ये थोड़ी सी छोटी छोटी चीजें बच्चे को बतानी है ताकि वो तैयार हो कि मैं कोई डिसीजन लेने जा रहा हूँ. डिसीजन लेना ऐसा नहीं कि आप सुबह उठे जीन्स पहन लो चल पड़े, नहीं, ये आपकी बहुत इम्पैक्टफुल होता है. तो बच्चों को अगर डिसीजन की इम्पोर्टेंस का अंदाजा करवा दिया जाए और आपके वो जो डिसीजन लेना चाहते हैं उसके बारे में उनसे बात की जाए और कोशिश करके जो वो बात कर रहे हैं उसको थोड़ा सा क्या कहते हैं ट्यूनिंग करके दे दी जाए तो बच्चा ओनरशिप ले लेगा उसकी, यकीनन लेगा. तो ये एटीट्यूड होना चाहिए बजाय इसके कि हम उनको अथॉरिटेटिव हो और उनको नहीं तुमने यही करना है, तुमने कुछ नहीं पता, मेरा फैसला है, ये मेरी राय है, ये नहीं चल सकता है ना. अब आप बड़ों के छोटे 5-6 साल के बच्चों को आप नहीं बोल सकते. आप बच्चा आपसे सवाल करता है उसको जवाब नहीं देते, बाबा आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, तब उनको भी अब बच्चा जवाब मांगता है. अब ये आपकी जिम्मेदारी, अब जवाब किस तरह देते हैं. अब अगर हमें यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल की बात आ जाती है, बच्चों के लिए जरूरी नहीं है, हमारे लिए भी कम्युनिकेशन स्किल की जरूरत है कि बच्चों को सुनने की आदत भी डालें और हमें भी सुनने की आदत हो. हम बड़े सुनते नहीं है. हाँ मुझे मालूम है, बात समझ गया, सुन गया सर, मेरी बात तो सुन लिया. तो ये जो बड़ा एटीट्यूड है ये डिसीजन मेकिंग के अंदर बहुत ही रुकावट होता है. सुनिए उसकी पूरी बात, उसको एहसास दिलाएं कि मैं तुम्हारा मसला हल करने बैठा हूँ और मैं मसला हल कर दूंगा. ये यकीन अगर सामने वाले को आ जाए तो वो डिसीजन लेने में आसान हो जाता है और उसके भी कुछ वे आउट है. और हर बंदा डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल हो सकता है. लेकिन फिर बात आती है डिसीजन लेने के लिए आप जा किसके पास रहेंगे. बिल्कुल, ये बहुत हमारा सबसे बड़ा अलमिया होता है कि हम सही डिसीजन किसी गलत बंदे से ले लेते हैं. गलत बंदा सही डिसीजन भी दे रहा हो लेकिन उसको आफ्टर फैक्ट है या उसका नहीं मालूम होता है. जिस फील्ड में जा, मिसाल के तौर पर मेरा बेटा या मेरी बेटी कोशिश करती है मैंने बाबा डॉक्टर बनना है या कुछ चीज बनना है. हाँ बहुत अच्छा है, लेकिन तुम क्यों बनना चाहती हो बताओ. तुम वो पॉइंट आउट देगी, शॉर्ट एनालिसिस कर लेना. बिल्कुल ऐसे ही, यू अंडरस्टैंड शॉर्ट एनालिसिस क्यों, इसमें ये ऊपर छोटी तो नहीं, ये बड़ी थ्रेट है, तुम घर से निकलती नहीं हो, तुम किस तरह कर लोगी. नहीं बाबा मैंने अमेरिका जाके स्कॉलरशिप लेना, तुम तो यहाँ पे कभी हॉस्टल में वहाँ पे क्लियर रह लोगी. तुम अगर तुम आप उसको भेजना चाहते हैं तो उसको उसके लिए तैयार करें. सही, बच्चे के अंदर पब्लिक डीलिंग का एक कैपेसिटी ही नहीं है, उसके अंदर कॉन्सेप्ट ही नहीं है. लेकिन हम तो चाहते हैं वो डॉक्टर बने, आगे जाके वो डॉक्टर बन भी जाए तो वो पेशेंट के साथ वो इंटरेक्शन तो नहीं डेवलप कर सकते. मैं कहना चाह रहा हूँ बच्ची को, बेटी को, बेटे को जो उसकी वीकनेसेस आइडेंटिफाई आप कर रहे हैं ना, उन वीकनेसेस को उसकी स्ट्रेंथ बनवाएं. सही, और वो स्ट्रेंथ किस तरह बन सकती है, उसको एम्पावर करें, उसको उस डोमेन में लेके जाएं प्रोफेशनल बैठे हुए उनके, और फिर उसी को डिसीजन को ओन करवाएं. और ये अब वो वक्त नहीं रहा कि हमारे जमाने में डॉक्टर, इंजीनियर्स, MBA 4-5 प्रोफेशन थे. अब किसी भी प्रोफेशन में आपका पैशन है और इंटरेस्ट है तो आप उसमें एक्सेल कर जाएंगे और कमा तो ले ही लेंगे आप. और दूसरी जो बात मैं कहना चाह रहा था पिछली टॉपिक से रिलेटेड है कि हम जॉब की बात क्यों कर रहे हैं, बिजनेस की बात क्यों नहीं करते. बिजनेस नहीं, अब वो ट्रेंड खत्म होगी. अब मैडम बोलने के अगर वो एज ए शेफ बनना चाहता है ना, शेफ उसके एक्सेप्टेबल, लेकिन अगर वो बोले कि मैं बिजनेस करना चाह रहा हूँ उसके लिए एज ए शेफ मैं एजुकेशन लेना चाह रहा हूँ तो ये एक्सेप्टेबल हो जाएगी. ठीक, मैसन की मैम ने बात की चीज़ की, मैम मिस्त्री नहीं बनना चाहता लेकिन अगर वो कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में जाना चाहता है तो उसमें अगर ये 3-4 ट्रेनिंग ले लेता है तो उसके लिए हेल्पफुल है. थोड़ा सा परसेप्शन चेंज करें, माइंडसेट चेंज करें, अवेयरनेस चेंज करें उसके लिए. आप जैसे टॉक शोज जो हैं वहां से लोग बुलवाएं तो ना, बिल्कुल स्टार्ट तो करें, जीरो तो ब्रेक करवाएं, कहीं ना कहीं ना कहीं तो बिल्कुल असर आएगा. आज मैं बात कर रहा हूँ, कल आपको कोई फीडबैक देता है उन्होंने गलत बात की. किसी बात पे रिस्पॉन्ड करना चाहे पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव चीज बिल्कुल ऐसे ही पॉजिटिव है. डेफिनेटली क्रिटिक नेगेटिव और क्रिटिक आना इटसेल्फ, डिसीजन ना लेना, डिसीजन गलत लेने से, डिसीजन गलत लेना ना लेने से बेहतर है, लिया तो ना आपने. तो ये चीजें हमें अपने बच्चों को एम्पावर करना पड़ेगा, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी, उनको बताना होगा अच्छा हो जाए बड़ा हो मैं तुम्हारे साथ खड़ा. बिल्कुल ऐसे ही है. और फैसला साजी की जो सलाहियत है वो भी किसी हद तक हमने ही ग्रूम करनी है, हमने ही डेवलप करनी है, हमने इनहेंस करनी है. कैसे कर सकते हैं जी फैसला साजी? मैं थोड़ा सा पीछे जो आप बात कर रहे थे स्किल इन्फॉर्मेशन के हवाले से कि जी इतने डॉक्टर्स इतने इंजीनियर्स है, उस पर थोड़ी सी मैं बात कर लूँ कि नैपटेक ने नेशनल स्किल इंफॉर्मेशन सिस्टम GIZ जो टिबेट रिफॉर्म सपोर्ट प्रोग्राम के तहत नेशनल स्किल इंफॉर्मेशन सिस्टम स्टेब्लिश है, जिसमें ये सारी सर्च की जा रही होती है कि कौन सी फील्ड
इंटरनली नेशनली एंड इंटरनेशनली इस वक्त डिमांड में है और उसके मुताबिक फिर हम जब प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट करते हैं कंपोज करते हैं तो हम उन्हीं ट्रेड्स को जो आगे ऑफर करते हैं करंटली जो है वो नेक्स्ट जो है वो एक प्रोजेक्ट है नेशनल एक्सचेंज नेशनल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज टूल उसके अंदर तमाम एम्प्लॉयर्स जो इंटरनेशनल एम्प्लॉयर्स हैं और लोकल एम्प्लॉयर्स हैं उनको भी चांस दिया जा रहा है कि वो अपने आप को यहाँ रजिस्टर करवाएं और बच्चों को भी उसके एक्सेस दिया जाता है कि जी आप अपने ट्रेड के हिसाब से उसको सर्च करके आप उनके साथ एम्प्लॉयर के लिएजान कर लें ये वहाँ पर एक सिस्टम मौजूद है नेफटेक के अंदर और इस पर बहुत अच्छा काम हो रहा है। जहाँ तक फैसला साजी की बात है तो मेरे नज़दीक जो है फैसला एक पर्सनल होता है एक नेशनल लेवल के ऊपर जब पॉलिसीज बनती हैं दो तरह के होते हैं जो पर्सनल लेवल के ऊपर जब हम किसी बच्चे को अपने बच्चे को गाइड कर रहे हैं फैमिली के अंदर किसी भंजे को भतीजे को गाइड कर रहे होते हैं तो आप अपने बच्चों के साथ स्पेशली आप अपनी लाइफ के वो एक्सपीरियंसेस जो आपने सीख लिए हैं आप समझते हैं अभी इन बच्चों को जरूरत नहीं बताने की मैंने तो गुजर गई ना इस दुनिया से इस टाइम से इस पीरियड से बच्चों को नहीं बताते ये मोस्टली हम पेरेंट्स का यही होता है लेकिन अपने एक्सपीरियंसेस उन्हें बच्चों के साथ शेयर कर लें कि जी ये हुआ नाउ इट्स अप टू यू आप भी यही करना चाहते हो या इससे हट के करना चाहोगे तो जरूर अपने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर उससे काफी ज्यादा बच्चों की मेरिट्स हैं ये इसके मेरिट्स हैं डिमेरिट्स के ऊपर फैसला आपके ऊपर है क्योंकि मैंने तो अफोर्ड कर लिया बियर कर लिया मैं नहीं चाहता कि तुम करो वो शेयर करें। दूसरा जब आप नेशनल लेवल के पर जब हम पॉलिसीज बनाते हैं या फैसला साजी करते हैं तो उसमें हम कभी भी अलोन स्टैंड अलोन पॉलिसीज नहीं बनती ऑल स्टेक होल्डर्स नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो होते हैं उनको भी लिया जाता है प्रोविंशियल लेवल के ऊपर स्टेक होल्डर्स को बुलाया जाता है लेकिन बात कहाँ पर आके रुक जाती है पॉलिसीज के ऊपर कि आपका फैसला तो आपने कर लिया पॉलिसी बन गई बड़ी अच्छी पॉलिसी बन गई बड़ी ग्रैंड पॉलिसी बनी है लेकिन उसके ऊपर जब इंप्लीमेंटेशन का वक्त आया तो कोऑर्डिनेशन इंटर रिलेशन एंड कोऑपरेशन जीरो इम्प्लीमेंटेशन जीरो फिर पॉलिसी में उतना ही रिजल्ट आएगा जितना कोऑर्डिनेशन था जितना इम्प्लीमेंटेशन था 10% है तो 10% है अगर यहाँ बेहतरी हो यहाँ यकीन हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अब्दुल अजीज साहब आपसे मेरी गुजारिश आज की तमाम डिस्कशन को समेटते हुए क्या पैगाम देना चाहेंगे? एक तो ये है कि पहले फैसला साजी के हवाले से बात हो रही तो फैसला साजी में जिन बच्चों की या फर्द को आप छोटे छोटे फैसले करने का चांसेस देते हैं वो छोटे फैसलों से ऐसा आस्ता मीडियम और फिर बड़े फैसलों तक अगर ये उनके अंदर एतमाद पैदा हो जाए तो वो अपने फैसले खुद भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर फिर ये है कि अगर जब आपने कोई मुशावरत लेनी है तो फिर रेलिवेंट फ़र्द से ली जाए और रेलिवेंट फ़र्द से ली जाए और फैसला साजी में जल्दी ना की जाए बल्कि गौर व फिक्र से किया जाए। अगर ये तीन चीज़ों से करें तो हम जो है अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी यकीनन इसी के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे और नाज़रीन उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने तमाम मेहमानों का एक मरतबा फिर से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा इंशाल्लाह कुछ नए टॉपिक्स के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने के पास।